अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आज मेरे पास वही बैज है, मैंने ऑन नहीं किया इसको। मेरा बैज चेंज हो गया आज। ऐसा नहीं कि सल कमजोर हो गए, बस कोई भूल गया अपना बैज। कोई भूल गया अपना बैज, किसी के याद रहा वो अपना बैज लेकर आया, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। एनीवेज, ये जो हम बैज से गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं, हम अगस्त के महीने में हैं और ज़ाहिर है जब अगस्त का महीना आता है हम सबके ना जज्बात थोड़े से बढ़ जाते हैं और पेट्रियाटिज़म हमें और ज़्यादा नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जब बात हो, पेट्रियाटिज़म की बात हो, तो बड़े पीक पर होता है। और जब बात है 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त को यूं तो सेलिब्रेशंस हमेशा ही बड़ी ख़ास होती हैं, बट इस साल चूंकि हम सेलिब्रेट करें अपनी डायमंड जुबली, और डायमंड जुबली की तकरीबात भी बड़ी ख़ास हैं। आगे चलकर हम दिखाएंगे भी आपको कि जो 5 रोज़ा तकरीबात हैं उनका आगाज़ हो चुका है। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि हमारा कौमी तराना री रिकॉर्ड किया गया है। बिल्कुल, और ये कुछ ही दिनों में जैसे ही 14 अगस्त आएगा तो ये रिलीज कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी एफर्ट है ये। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पे डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के जेर एहतमाम एक डिजिटल फोटोग्राफी नुमाइश भी मुनक्किद की गई। इसकी इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी हमारी वज़ीर इत्तला'आत मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मुल्की सकाफती वरसे को फ़रोग दे रहे हैं। तो जनाब, हम कौमी तराना 2017 से रिकॉर्डिंग प्रोसेस था, जिसके बारे में वज़ीर इत्तला'आत ने भी बताया, और पाकिस्तान भर से सिंगर्स ने ये कौमी तराना एक साथ मिलके गाया है। लेट्स सी कि क्या सरप्राइज है हमारे लिए कौमी तराने के साथ। जैसे आपने पेट्रियाटिज्म की बात की, तो हमारा पेट्रियाटिज्म और बढ़ जाता है जब हम अपने कौमी तराने को सुनते हैं। उसका एक एक लफ्ज़ हमारे खून को जितना जोश दिलाता है। तो लेट्स सी कि हम ये जो नया कौमी तराना सुनेंगे ये पहले वाले से ज़ाहिर है डिफरेंट होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत होगा। हमेशा किसी भी चीज़ में जिद्दत हमें अच्छी लगती है। वैसे भी ज़रा हर साल हम कोशिश करते हैं ना कुछ नया लेकर आएँ, जिद्दत लेकर आएँ उसमें। अच्छा, जब हम बात 75वें यौम आज़ादी की कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी शहरों के साथ साथ जो दोस्त ममालिक हमारे हैं वो भी हमारे इस जश्न में शरीक हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 75वें यौम आज़ादी पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का पाकिस्तान के लिए नजराने अकीदत। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर डॉक्टर रीना ने बाजे के जरिए कौमी तराने की धुन बजाकर देखने और सुनने वालों को जो है ना हैरान किया। ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने बात कौमी तराने की है जो री रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी री रिकॉर्ड कर लिया गया है। कुछ विजुअल उसके आपको हम दिखाते भी हैं। Pakistan Broadcasting Service. Allah Hafiz. Pakistan. हमारा नया कौमी तराना, यानी री रिकॉर्ड टीज़र है ना, नया कौमी तराना, आई मीन री रिकॉर्ड जो किया जा रहा है पूरा जो है आपको इंशाल्लाह हम सुनवाएंगे भी, क्योंकि रिलीज़ होगा 14 अगस्त को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे जब कौमी परचम कुशाई की तकरीब होगी ऑन 14 अगस्त। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे ना, यूँ तो हम पिछले कई दिनों से बाजे को बड़ा कंडेम कर रहे हैं, लेकिन देखें आज हम, मैं और सलमा दोनों कहते हैं हम अपनी तमाम बातें वापस लेते हैं, चूँकि बाजा अच्छा भी होता है, अच्छा बजाया भी
जाते हैं। लेकिन देखिए ये इसका इस्तेमाल किसी को तंग करने के लिए नहीं था, ये अच्छा इस्तेमाल था, कौमी तराना बजाया गया बाजे पे। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने जो है ये बाजा बजाया और ये हमारे साथ उनका एक इजहार किया था। लगता है कि उन्होंने भी देख लिया था ऑल द पिंडी बॉयज वो बाजा ही बजाएंगे। उन्होंने इस्तेमाल बताया पिंडी बॉयज को कि आपने बाजा कैसे इस्तेमाल किया। तो देखते हैं जी। डॉक्टर रीना ने क्या खूबसूरत तराने की धुन बजाई है, मज़ा आ गया। और डॉक्टर रीना की कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है क्योंकि उनकी नई नई अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान में, तो जो मुलाकात हुई है वही डिस्कशन हुई जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंशाल्लाह 2023 के बाद भी ये स्टेटस हमारा बरकरार रहेगा। एग्जैक्टली जो मेहमान साथ मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा था कि 2023 तक तो स्टेटस मौजूद है और इंशाल्लाह उसके बाद 10 साल के लिए स्टेटस पाकिस्तान को मिल जाएगा और पाकिस्तान के बरामदात में जो है वो इजाफा होगा। चलें बढ़ते हैं आगे। और कुछ अच्छी खबरें हमारे पास आई हैं और वो खुले समंदर से आई हैं। अच्छी खबर से मुराद मेरी ये है कि कुछ हादसा तो होते हैं लेकिन जब बरवक्त रेस्क्यू कर लिया जाए तो वो खबर ज़रा अच्छी लगती है कि बरवक्त रेस्क्यू किया गया, किसी की जान बचाई गई। आज हम दो ऐसी खबरें जो आपसे शेयर करेंगे, एक दो रोज़ पहले की खबर है और एक कल की खबर है। दो रोज़ पहले क्या हुआ, एक विजुअल आया और वो था एक चाइनीज़ शहरी था जो कि खुले समंदर में था, तैर रहा था। यानी अभी डिटेल सामने उस वक्त नहीं आई थी कि कोई हादसा हुआ क्या, लेकिन जो पाकिस्तानी माहिगीर थे उन्होंने उसको बचाया, रेस्क्यू किया और वो बिल्कुल हांफता हुआ शख्स था, उसको कंबल दिया, बहुत ठंड लग रही थी, उसको कंबल दिया, उसको पानी पिलाया, उसका ख्याल रखा। तो ये एक हमारी तरफ से एग्जांपल भी सेट की गई कि हम जिस तरह देखते हैं कोई परेशान है खुले समंदर में भी है तो हमारी पूरी कोशिश कि उसे बचाएं, रेस्क्यू करें। ये परसों बिल्कुल ये परसों की बात थी। और कल जो खबर थी वो इससे ज़रा सी मुख्तलिफ थी, जज्बात वही थे, इंटेंशंस वही थी, दूसरों की मदद करना, दूसरों की ज़िंदगी बचाना। हम जब अपनी फोर्सेस के किरदार की बात करते हैं तो वो किरदार हमें हर जगह नज़र आता है, चाहे वो मुल्की मामलात हों चाहे वो बैन अल-अक़वामी मामलात हों। मैं बात कर रही हूँ पाक बहरिया की एक एफर्ट से मुतालिक। भारतीय कश्ती थी जमुना सागर जिसमें 10 लोग सवार थे और वो खुले समंदर में फंस गई थी कश्ती। हमारी फोर्सेज ने, पाकिस्तान बहरिया ने उसमें से 9 लोगों को जिंदा बाहिफाजत निकाल लिया और एक शख्स की लाश भी उन्होंने निकाल ली जो कि पहले से डूब चुका था। लेकिन पाक बहरिया ने भरपूर एफर्ट की, उन 9 लोगों की जिंदगी बचाई जो कि बहुत अप्रिशिएट करने की बात है। नहीं देखा क्या मजहब है, नहीं देखा उनका ताल्लुक किस मुल्क से है, जान बचाना अहम था, जान बचाई और बरवक्त जान बचाई। इस बात को जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में क्योंकि जब हमारी फोर्सेज के किरदार की बात आती है, उनके जज्बे की बात आती है तो वो हमें हर जगह पर नजर आता है। कहीं पर कोई मामला होता है जहां पे किसी की मदद की जरूरत होती है, हमारी फोर्सेस पाकिस्तान आर्मी हो, बहरिया हो, फजाइया हो, वो हमें हर जगह पे हम वक्त तैयार नजर आते हैं। एग्जैक्टली यानी फोर्सेस भी और एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन अगर हम बात करें, जो मैंने पहले खबर शेयर की कि जिस तरह एक चीनी शहरी जो था वो तिजारती जहाज से जो है वो गिरा था और उसके बाद वो अपने आप को ज़रा बचाने की उसकी कोशिश, लेकिन फिर जैसी हमारे माहिगीरों ने बंडल आइलैंड के करीब देखा तो उसको बचा लिया। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर भी हमारे पास है और वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं ना, ये ताल्लुकात कैसे बेहतर होते हैं जब आप बात करते हैं। ताल्लुकात तब बेहतर होते हैं जब आप मिलते हैं, बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हाँ कब तक, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो ताल्लुकात को बेहतर करना है। और जब ताल्लुकात बेहतर करने की हम बात करते हैं तो इसमें
दो ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा, एक भारतीय स्टूडेंट है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। और ये बेस्ट फ्रेंड्स जब बनी तो फिर उन्होंने दोनों ने ये इसी तरह से शेयर किया कि हम जिस तरह से दूसरे मुल्क के बारे में राय रखते थे, उसके हवाले से जानते थे, महदूद इन्फॉर्मेशन थी, और ये कहा जो किताबों में पढ़ा था और जो कहा जो माजी में हम बात करते आए, जो हिस्ट्री का हवाला देते आए, जो नफ़रत पैदा करते आए, उसको अब ख़त्म करना होगा। ये सोशल मीडिया पोस्ट है भारतीय खातून ने की है, अपने पाकिस्तानी दोस्त से मुतालिक की है, अपनी दोस्ती से मुतालिक की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तालिबा है स्नेहा, इन्होंने कहा कि कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली पाकिस्तानी स्टूडेंट, पहले दिन ही उनसे दोस्ती हो गई, उसके बाद हम बिरयानी भी इकट्ठे खाते हैं, चाय भी इकट्ठे पीते हैं, मिलते बैठते हैं, पढ़ते इकट्ठे हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में, उनके शहर के बारे में, मुल्क के बारे में, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर्स, नॉर्म्स, वो जो नफ़रतें थीं उनको हमने भुला दिया, मोहब्बत का बीज हमने बो दिया। ऐसी और एग्जांपल्स आएंगी सामने, तो ये इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि रीजन तब आगे बढ़, ये जो एनमिटीज़ हैं ये ख़त्म होंगी। बिल्कुल, और पाकिस्तानियों को दुनिया कहाँ कहाँ याद करेगी। कुछ ही दिन पहले हम दुबई की एक खबर शेयर कर रहे थे जहाँ पे एक पाकिस्तानी ने रास्ते से बड़ा पत्थर हटाया, वहाँ पे शहजादे ने वो वीडियो देखी और ढूंढना शुरू किया उस पाकिस्तानी नौजवान को, जिसकी हमने फुटेज भी दिखाई थी। और उसके बाद कभी भी पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल में हमारी फजाई हदूद से गुजरते हुए फंस जाता है, हम उसकी मदद करते हैं, समंदरी हदूद से गुजरते हुए फंस जाता है, हम उसकी मदद करते हैं, और दुनिया में कहीं भी हम मौजूद हों, दुनिया के किसी हिस्से में हों, जहाँ पर हमें किसी की मदद का मौका मिलता है, हम जरूर करते हैं। तो ये वो जेस्चर होता है जो दूसरे लोगों के लिए हमारा सॉफ्ट इमेज लेकर जाता है। वो लोग जो हमें इस वक्त पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए। बहुत से अच्छे काम जो हम कर रहे हैं उनको आगे लेकर चलना चाहिए, ये हमारी पहचान है, ये हमारा असल पाकिस्तान है। बेशक जी, असल पाकिस्तान है। और आज की जो अगली खबर है वो भी बड़ी ही जबरदस्त है। हम जब प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, कुछ स्टैट्स हमारे सामने आए और वो ये थे जनाब के 39 लाख टन प्लास्टिक सालाना पाकिस्तान में बनता है, 70% ऐसा जो ट्रीट नहीं किया जाता और वो समंदर का, लैंड का, इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसा जो तह में बैठ जाता है, कुछ प्लास्टिक ऐसा यानी माइक्रो प्लास्टिक या इतने छोटे जर्रात जो कि हमारे एयर में होते हैं, हम इनहेल भी कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह, ये चरंद परिंद के लिए नुकसानदेह, आबी हयात के लिए नुकसानदेह। पूरी दुनिया इस वक्त इस खतरे से निमट रही है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ जगहों पर तो इन एक्चुअल समंदर के अंदर कुछ जजीरे बन चुके हैं उस कचरे की वजह से जो कि प्लास्टिक की वजह से पैदा हुआ है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का कारनामा, मैं कहूँगा इसको, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका कारनामा सेवी इंजीनियर्स, एक इदारे का जिक्र आज हम करेंगे। और इसलिए हम करें चूँकि दुनिया भर में एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है जिसकी जिसको खासी पज़राई हासिल है, वो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में। US में ये मुकाबला होता है और इस साल जब ये मुकाबला हुआ तो इसमें जब इनिशियली टीम्स की बात करें तो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद टीम्स थी, और उसके बाद फिर जब रीजनल लेवल पे ये कंपटीशन पहुंचा 260 टीम्स रह गई, और अब सिर्फ रह गए हैं जनाब 6 टीम्स। इन 6 टीम्स के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है, इस वक्त ये मुकाबला जारी है, उसमें एक टीम है पाकिस्तान की इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। ये टीम इस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने किस प्रोजेक्ट के साथ गई है, और जो मैंने प्लास्टिक की बात की वो इसलिए कि चूँकि इसका ताल्लुक उस प्लास्टिक वेस्ट से है, कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं, पाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, आज हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर जावेद अहमद खान टीपू साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट एंड फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ इकराई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको वेलकम करेंगे सर। एंड वी हैव विद अस मोहम्मद नवीद साहब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। सर वैसे जनरली इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मुतालिक शायद बहुत से लोगों की राय होगी कि सिर्फ और सिर्फ एक दो ही डिपार्टमेंट्स होंगे और इस्लामिक स्टडीज़ ये डिपार्टमेंट है, और देखिए किस तरह इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में कंपटीशन के लिए वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। एक स्टूडेंट माज हैं, US में इस वक्त मौजूद हैं, आज शायद ना उनसे बात हो पाए लेकिन आगे चल के कोशिश करेंगे बात उनसे भी करें चूँकि इस वक्त वो फाइनल में पहुँच चुके हैं। तो हम ज़रा बात का आगाज़ करेंगे इंजीनियर जावेद अहमद खान साहब से, ज़रा उनके ज़ेर साया ही ये डिपार्टमेंट जो है वो हम देख रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं और उनके स्टूडेंट जो हैं वो जिस तरह से नाम बना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए खुद एक बड़ी सी डिफरेंट बात थी ना कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी और फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फिर इस तरह के एक मैदान में जिसमें 2 लाख टीम्स हों, 260 रीजनल लेवल पे, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम उनमें से एक है, नहीं 6 टीम्स में से एक है। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे सर कि कैसे उस मुकाबले तक हम पहुँच पाए हैं।
एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि विजन क्या है फैकल्टी का, असातिज़ा का, ताकि वो स्टूडेंट्स को लीड कर सकें, उन्हें टारगेट्स दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट द फैकल्टी जो हमारी है, इसमें हमारे डीन डॉक्टर नदीम अहमद शेख साहब, हमारे चेयरमैन डॉक्टर अदनान असलम नून साहब, मैं खुद, हम फॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत सारे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। हम वहाँ देखते थे कि स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशंस में, और उनको बड़ा मोटिवेट किया जाता है, उनको बड़ा बूस्ट किया जाता है, और लेटर ऑन के कैरियर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आई वॉज द फर्स्ट हेड, उस वक्त भी यही जहन था, और अब अल्लाह ने किया दोबारा वो एक एनवायरनमेंट बनाया, एक यंग मोटिवेशनल टीम आई। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम अपने स्टूडेंट्स को तमाम कंपटीशंस जो लोकल और इंटरनेशनल होंगे उनमें उनको इनकरेज करेंगे कि वो कंपीट करें, क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों को ये सलाहियत दी, हमारे इंजीनियर्स को ये सलाहियत दी कि वो, उन्हें पता होता है कि पाकिस्तानी आ रहा है, ही विल विन, ही विल कंपीट। और हम लोकली या जब अपने मुल्क में होते हैं तो उससे था कि मोटिवेशन अपने बच्चों को नहीं देते, उन्हें ये हौसला नहीं देते कि वो वहाँ पे जाएं कंपीट करें और बाकियों से वो बहुत बेहतर होंगे। और मैंने देखा कि नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह सारी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर हम लोग विन कर रहे होते हैं हर इम्पोर्टेंट जगह पे, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, सॉरी मैंने आपकी बात को कट कर दिया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2007 में इस्टेब्लिश हुआ, ओके, और दैट वाज द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के साथ। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, 2010 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, और लेटर ऑन फिर हमने सिविल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट की। करेंटली यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल तक की स्टडीज़ हो रही हैं, और हमारे ग्रेजुएट दोनों सिविलियंस और मिलिट्री दोनों साइड से मार्केट में ऑलरेडी जो है वो काम करें। वंडरफुल, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं चाहूँगी कि आपके स्टूडेंट से भी पूछ लें कि आपने जिस प्रोजेक्ट की, से भी इंजीनियर्स की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? जब प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करने की बात करते हैं तो एक परसेप्शन ये है कि 1000 साल तक वो पॉलीथिन बैग्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होते जो समंदर में चले जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। अब इसको रिसाइकिल करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है, मशीन उसको कैसे रिसाइकिल करती है, क्या वो डुप्लीकेट वैसे ही प्रोडक्ट बनाती है या कुछ नया जनरेट कर सकते हैं आप, उससे क्या होता है? सो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि हमने इसको एक्चुअली स्टार्ट कैसे किया। हमारा बेसिकली डिग्री की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। आपने उसको सीरियस ले लिया? यस, हमने उसको काफ़ी सीरियसली और हमने सर के साथ उस चीज़ को डिस्कस किया, तो इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि डेफिनेटली आपको इस चीज़ पर जाना चाहिए। और लकीली उस टाइम पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की एक फंडिंग आई हुई थी कि उन्होंने इस्लामाबाद में जितनी यूनिवर्सिटीज़ उन सबको प्रपोजल भेजा कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है इस प्लास्टिक वेस्ट को कैटर करने का तो वो आप प्रपोजल भेजें और हम उसको रिव्यू करेंगे, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम फंड करेंगे। सो आउट ऑफ लाइक 28 to 30 यूनिवर्सिटीज़, 6 यूनिवर्सिटी थी जिनको फंडिंग मिली और उसमें से एक हमारी थी। और उसके बाद हमने ये मशीन को डेवलप किया। अब ये मशीन बेसिकली ये करती है कि हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेट होते हैं और एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जो थर्मोसेट होते हैं उनको आप रिसाइकल अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं जब उसको आप हीट करते हैं। जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक जो टाइप है इसको आप अगेन रीहीट करके इसको डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। तो हमने इस थर्मोप्लास्टिक के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया। इसमें हमारे पास एक प्लास्टिक क्रशर मशीन है जो कि इस पहले प्लास्टिक को, वेस्ट को क्रश करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट करती है। फिर उन स्मॉल पीसेस को हम अपनी एक एक्सट्रूजन मशीन है जिसमें हम डालते हैं। यानी जो टॉयज होते हैं ये सारे इसी में आते हैं जो आप बात कर रहे हैं? यस, आपकी शैम्पू बॉटल्स हो गई, आपके जो इस तरह के टॉयज हो गए, ये सारे एचडीपी प्लास्टिक में आ जाते हैं। तो उसको हम क्रश करते हैं, फिर जब ये स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम एक्सट्रूजन मशीन में डालते हैं। अब उसके अंदर हमने डिफरेंट हीटर्स इंस्टॉल किए हुए, उसके अंदर स्क्रू का मैकेनिज्म है। उसके अंदर ये है कि फिर उसको वो हीट करके एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये वायर 3D प्रिंटिंग फिलामेंट वायर कहलाती है जो कि फिलहाल पाकिस्तान में नहीं बन रही है, अनफॉर्चुनेटली ये बाहर से इम्पोर्ट की जाती है। सो ये हमने एक लोकल अटेम्प्ट की कि हम क्यों ना 3D प्रिंटिंग फिलामेंट को यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर करें ताकि जो 3D प्रिंटिंग कंपनीज हैं वो इसको यूटिलाइज करके डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे, आपने फंडिंग का जिक्र किया, जो आपको फंड्स मिले क्या वो सफिशिएंट थे या आपको अपनी जो जरूरियात थी उनको महदूद करना पड़ा? जाहिर है मशीन बनाना एक थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, आप ब्रेन भी यूज कर रहे हैं, मटेरियल भी आपको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और कॉस्ट कितनी आई? यस, सो एक्चुअली अगर हम ये अपने फंडिंग से बनाते सेल्फ फाइनेंस करके तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता हमारे लिए इस तरह की मशीन को डेवलप करना। लकीली हमारे पास ये फंडिंग थी और हमने इसको बड़े कम पैसों के अंदर इस मशीन को डेवलप किया। वैसे अगर आप इसको मार्केट में देखें तो ये 25 to 30 lakh से कम इस तरह की मशीन डेवलप नहीं होती, बट हमने इसको 6 lakh की फंडिंग के अंदर इस मशीन को हमने लोकली 6 lakh में आपने मशीन बना ली। यस, कितनी बड़ी मशीन होती है ये? ये अराउंड लाइक 6 to 7 feet इसका साइज, जैसे
वेंडिंग मशीन्स होती हैं? यस। उस तरह की अगर इसकी प्राइस 26 to 30 lakh है और हम 6 lakh में बना रहे हैं, दैट मींस कि हम इसको एक्सपोर्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यस डेफिनेटली, इसको बाद में दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके उससे भी इसके रेवेन्यू जनरेट। और ये मशीन पाकिस्तान में पहले कभी कहीं नहीं बनी? नहीं। ठीक है, अभी जो मशीन आपने बना ली 6 lakh की बना ली, आप हमें बता दिए लाइक 6x4 6x4 उसका साइज है, और इसमें अब आप लोग प्लास्टिक डालते जाएंगे और उसमें दो तरीके हैं, एक के रॉ मटेरियल और एक 3D वाला, और दोनों एलिमेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। यस, दोनों हो रहे हैं। और ये मशीन इस वक्त US में मौजूद है? ये हमारे पास मशीन जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और इसकी बेस पे हम कंपटीशन US में। ठीक है, अब जो कंपटीशन वहाँ पर चल रहा है उसमें थोड़ा सा बताएंगे, और जो मुल्कों से लोग आए, जाहिर है डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस सबसे वहाँ पे स्टूडेंट्स कम्पीट करेंगे, बहुत सी और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वहाँ पर होंगे, और लेकिन उस लेवल पर भी अगर हम टॉप में, आई मीन टॉप 6 में तो हम पहुँच चुके हैं, दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छा हमारा रहा। तो प्लास्टिक पर ही ज़्यादा काम आपको मिल रहा है कंपटीशन में, या कि और इनोवेशंस पर काम है? वहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था। अच्छा। ज़्यादातर प्लास्टिक पे फोकस था, लेकिन इसके अलावा ग्लास को भी रिसाइकल किया जा रहा था, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी था। सो उसके अंदर हमने इस प्रोजेक्ट के साथ किया, और इसके अंदर डिफरेंट इंटरनेशनल जजेस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं। सो उन्होंने इस चीज़ सारी को एवेल्यूएट किया कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इसका बिजनेस स्कोप क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। सो उन्होंने इन सारी चीज़ों की बेस पे जब उन्होंने जज किया, तो उन्होंने 2 lakh टीम्स में से अब लास्ट में फाइनल 6 टीम्स रह गई जो कि 1 million US डॉलर के लिए कम्पीट कर रही है। ठीक है, उनमें से बहुत सी इसकी अच्छी चीज़ें बता दी जावेद अहमद खान साहब, बींग एक्सपर्ट बींग इंजीनियर, से एक चीज़ जानना चाहती हूँ। मशीन हमने बना ली, हम उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, प्लास्टिक जो कि ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है, जिसपे हम बारह बात भी करते हैं, पॉलिथिन बैग्स को भी ख़त्म करने की बात करें जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब ये मशीन जब रिसाइकिल करती है प्लास्टिक को, क्या ये हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह कुछ ऐसे फ्यूम्स, कुछ ऐसा अखराज इससे होता है जो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, काइंड ऑफ अ टेक्निकल क्वेश्चन। बेसिकली ये इसीलिए बनाई गई कि जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं उनको मिनिमाइज और कम किया जाए। और मिलती जुलती मशीन्स सोसाइटी में, हमारी कंट्री में भी कुछ कदुका होंगी जो कुछ और चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, पर्टिकुलरली प्लास्टिक को रीयूटिलाइज करना और अकॉर्डिंगली ट्रीट करके यूटिलाइज करना, ताकि इन्वायरमेंटल हैज़र्ड, सोसाइटल हैज़र्ड्स कम से कम हो सकें, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ हम जा सकें, ग्रीन वर्ल्ड की तरफ जा सकें। ये वो इशू है जिस तरह नवीद ने जिक्र किया कि वहाँ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो इससे रेलेवेंट आए। एक्चुअली कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं, और उसके लिए UN भी फंडिंग कर रहा है, उसके लिए तमाम ममालिक हमारे अपने मुल्क में भी बहुत फोकस किया जा रहा है, मुख्तलिफ इदारे इस फिक्र में हैं कि ये सब कुछ हम कर तो रहे हैं लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या है। तो उस पे दैट्स वाई ये एक प्रोजेक्ट मिला, और फंडिंग की भी आपने बात की थी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, देर इज़ लैक ऑफ फंडिंग, देर आर अपॉर्चुनिटीज़, बट टू नो दोज अपॉर्चुनिटीज़, टू गेन दोज अपॉर्चुनिटीज़, टू कम्पीट ओवर देयर नो बडी नोज, इसके लिए हमें एक अवेयरनेस, सोसाइटल अवेयरनेस क्रिएट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंजीनियर्स के अंदर भी ये एक सेंस लाना बड़ा ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ बनाएं, जो भी चीज़ बना लें, उसके कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो हम उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं उनको कैटर करें, ताकि उनकी प्रोडक्ट एंड लाइफ साइकिल, पूरी जो एंड लाइफ साइकिल कहते हैं स्टार्ट से लेके डिकम्पोजिशन तक, तो वो पूरी जो उसकी लाइफ है वो हमारे लिए एक फायदेमंद प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या मैं इसको ये समझूं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम और ऐसी मशीन्स और ऐसा इक्विपमेंट, बहुत जदीद चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पैसों की कमी है। तो जैसे ये फंडिंग आपने बताया कि विन की थी, क्या बाकी प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं या बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो कुछ करना चाहते हैं, क्या उसके लिए वो विन कर सकते हैं, या वो उसके लिए कोई एग्जीबिशन कर सकते हैं, कोई अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, स्टूडेंट के एंड से हम क्या प्रमोट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने तौर पर ये करें तो पैसे आ जाएंगे? अच्छा, इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ अवेयरनेस है अमंग स्टूडेंट्स एज वेल, अमंग फैकल्टी एज वेल, कि उन्हें पता हो कि ऐसे कंपटीशंस दुनिया में होते हैं और हम उन्हीं में से एक हैं जो बाकी विन करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेशनल लेवल पे ये इंकरेजमेंट चाहिए, जहाँ इतनी डिप्रेशन की बातें होती हैं, वो इंकरेजमेंट चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने ये मुझे तौफीक दी कि मैं रहा, पढ़ाया भी, पढ़ा भी, तो हमारे स्टूडेंट्स सब जगह से वाकई अच्छे हैं, बहुत मेहनती स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह।
हमने स्ट्रगल करनी होती है लाइफ बनाने के लिए, हमें गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह फंडिंग या रिहाइश या स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रहे होते, तो वी नीड टू पुट एफर्ट टू गेट समथिंग, टू डू समथिंग। और इनोवेशन के लिए तो यही फेज होता है, इनोवेशन हमेशा स्टूडेंट्स से कराई जाती है। तो जहां तक आपने बात की पोटेंशियल की, दे हैव वेरी वेरी गुड पोटेंशियल, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, रिसोर्सेज भी अच्छे, लेकिन अप्लाई करना कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे पूरे करने, सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज, फ्रॉम एम्बेसीज, ये भी हमें एक इशू इसमें आया। फंडिंग में भी हमें वो प्रोसीजर्स का जो एक गुंजल है वो जो है ना वो तंग करता है। 2 महीने का टारगेट अगलों ने दिया, 2 महीने बाद फंडिंग रिलीज हो रही है, तो ये चीज़ें जो प्रोसेसेस हैं ये हमें थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो हमें चाहिए एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स की हद तक चीज़ें हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम थोड़ा स्पीड अप करें। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पीड अप होना चाहिए। मैं दोबारा से नवीद आपकी तरफ आना चाहूँगा और उसी प्रोजेक्ट पर दोबारा से और कुछ गुफ्तगू करें। सही समझ रहा हूँ, ये प्लास्टिक बॉटल भी हम उसमें डाल सकेंगे? लेकिन इसमें भी पानी है, अभी पानी पी के डालेंगे ना यानी कि ज़रा इस प्लास्टिक बॉटल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और वही बॉटल उस मशीन में डाल देंगे। अच्छा, अब अगर ये मशीन आप जीतना तो एक मरहला है, बट उसके बाद जब हम इसकी कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो आप ये मशीन्स बनाएंगे, उसके बाद इंसेंटिव किस तरह से दिया जाएगा लोगों को कि अच्छा आप यूज़ करें इन मशीन्स को, आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स डालें या प्लास्टिक इसमें डालें? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि आप इस प्लास्टिक को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। ऐसा नहीं करें कि जहाँ पे आप इसको बीचेस पे फेंक दें, आपको इसको कहीं पे फेंकेंगे तो उससे वो एनवायरनमेंट को मज़ीद पोल्यूट करेगा। और सेकेंडली ये कि हमारे पास अभी जितनी भी इसकी मतलब लोकल जैसे इसकी यूटिलाइजेशन है वो उस तरीके से नहीं हो रही, तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेंगे, इसको प्रॉपरली रिसाइकिल करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम बाहर से इंपोर्ट करने को हम लोकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। आप एग्जांपल देना, क्या क्या ऐसा जो हम इंपोर्ट करें हम नहीं करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दी 3D प्रिंटिंग फिलामेंट की, अब इसकी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, आप किसी भी तरह की चीज़ को मैन्युफैक्चर करना चाहें आप इसके जरिए कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंसिव। अच्छा नवीद, सॉरी आपकी बात मेरा ख्याल है इनकम्प्लीट रह गई, आप आगे ऐड कर दीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी शेद ने जिक्र किया बॉटल का, पॉलीथिन बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए बार बार उनकी बात कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें जब हम किसी को सिर्फ ये कहते हैं कि आप डिस्पोज ऑफ करें तो लोग शायद इतना सीरियस नहीं लेते। जब हम बिजनेस पर्पस के लिए किसी को भी देंगे, हम कहेंगे कि आपने ये 6 बॉटल्स को डिस्पोज ऑफ करना है, ऐसी नई बॉटल्स बनानी है जो कि रीयूजेबल हों, क्या इस तरह से इस मशीन को प्रमोट किया जा सकता है? क्या ये मशीन हमें इसमें हेल्प आउट करेगी कि हम 10 चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वैसी ही 10 चीज़ें मजीद बना रहे हैं? एग्जैक्टली, यानी फॉर एग्जांपल आप इसी प्लास्टिक को जब रिसाइकिल करेंगे तो उससे आप जिस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहें उससे आप बना सकते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ और क्या इसका इस्तेमाल आसान है, कोई भी आम दुकानदार रख सकता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो? यस, इस मशीन को ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बनाना डेफिनेटली उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, बट इसको ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक आम कोई अनस्किल्ड लेबर भी है तो उसको आप थोड़ी सी अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो इस मशीन को ईजिली ऑपरेट करके उससे चीज़ें बना सकते हैं। फिर तो होना ही चाहिए कि वो कंपनीज जिनका काम ही इस पर चल रहा है, नहीं बॉटल्स पर चल रहा है, वही मशीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ये मशीन इंस्टॉल करें ताकि उन्हीं की बॉटल्स इसमें डाली जाएँ, उसी में से प्लास्टिक को दोबारा यूज किया जा सके, ऐसा ही है? Right. आप ऐड करना चाहते हैं प्लीज? थोड़ा सा नवीद के लिए भी और आपके लिए भी, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि बॉटल्स को दोबारा रिसाइकल करके बॉटल्स नहीं बना, कुछ और बनेगा, कुछ और बड़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे। सही बात है, क्योंकि प्लास्टिक को जब आप रिसाइकल, हमारा सर मकसद सिर्फ ये है कि ये बॉटल जो है बाद में समंदर में या कचरे में उस तरह ना जाए, इसको कहीं यूज कर लिया, यूज कर, सिंपल। अच्छा, इससे ना बहुत सारी इसकी टेक्निक्स हमने भी वहाँ प्रमोट किया, उसमें भी प्रपोज किया, आप सपोज करें 80 रुपीज़ की आप ये प्लास्टिक बॉटल परचेज करें, हम आपसे वापस 5 रुपीज़ में परचेज करते हैं, उसी स्टोर में आप दे दें, वो आपको रिबेट दे दें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम वो जाके कलेक्ट कर लें, हमारा एक मैकेनिज्म हो जो कलेक्ट कर ले, जिस तरह ये बच्चे या बहुत सारे लोग मार्केट से कचरा, हम इन्हें पैसे दें कि आप उठा के, इसीलिए मैंने सवाल किया इंसेंटिव वाला, बिकॉज मुझे याद है लास्ट ईयर हमने कराची के इसी तरह एक स्टूडेंट से बात की थी, वो इस तरह से मिलती जुलती एक मशीन थी और उन्होंने कहा प्लास्टिक बॉटल्स डालेंगे आपको पैसे मिलेंगे, तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर फिर लोग फिर डालेंगे प्लास्टिक बॉटल्स कि हमें कुछ मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी हो रहा है सर बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे मुल्कों में हो भी रहा है, बॉटल डालते हैं आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, तो ये होना भी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं जो कि इस वक्त उस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में जो है वो मौजूद है, एंड $1 million इज द पूल मनी जो कि इनको इंशाल्लाह मिलेगी, और जब ये जीत कराएंगे हम दोबारा इनको इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे, कोशिश करेंगे अगली बार कि उस मशीन के साथ हम इनको बुलाएं और मशीन इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे कितना इजी है उसको इस्तेमाल करना। मशीन बड़ी नहीं है, यहां पे लाना मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, इतने वेंडिंग मशीन की तरह की होती है, मसला नहीं, हम वहां चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, इतनी बड़ी मशीन हम यहां पे रख के नहीं, हम ला सकते हैं,
बड़ा स्टूडियो ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा स्टूडियो है, तेरे दिखा नहीं सकते, ला तो सकते हैं, ला तो सकते हैं, नहीं लाएंगे पर दिखाएंगे भी। ठीक है जी, बढ़ते हैं जनाब आगे और एक और टॉपिक। इतनी बातें जब सोचते हैं ना लोग के कैसे लाएंगे क्या करेंगे, तो लोग गंजे भी हो जाते हैं, बाल चले जाते हैं। नहीं देखिये, आप एक नेक काम के लिए गए थे, अच्छे मकसद के लिए, आपके बाल बुरे, आपकी बात नहीं हो रही। लेकिन कहा जाता है कि जो बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं उनके सर पे बाल नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ से सोचता हूँ, यहाँ से बाल गिर रहे हैं। और अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं ना, नहीं, कुछ तो सोचते ही नहीं है ना, बालों बाल हुए खड़े हैं, है ना। इसीलिए देखो, ज्यादा ना सोचने का फायदा ये होता है कि आपके सर पे ना आखिरी वक्त तक बहुत बाल रहते हैं, आप डोनेट कर सकते। अभी आखिरी वक्त नहीं है, इतनी जल्दी आखिरी वक्त तक की बात, जिंदगी पड़ी है ना, तो माशाल्लाह से ऐसे ही खेती हरियाली रहेगी, हरी भरे खेत रहेगी माशाल्लाह जी। यानी हम ये बात कर रहे हैं ना आज गंजपन की, बेसिकली इसमें यूं तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं हमें होना चाहिए, बट मेल पैटर्न बालनेस थोड़ी ज्यादा होती है, मर्द जरा जल्दी या तो गंजे हो जाते हैं तो नजर आ जाते हैं। देखें, ये तख्सीस ना करें, ये सबके साथ मसला, मेरे बाल पूरे जरूरी थोड़ी है, सारी खबर यही कह रहा हूँ, मर्दों के नजर आ जाते हैं, खवातीन के छुप जाते हैं, गिरते दोनों के बाल। ठीक है, आप खुश हैं आप? तो इस मामले पर आज हम बात करेंगे कि कौन दुरुस्त कह रहा है जी, कि ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि सलमा कह रहा हूँ, कि मैं भी समझता हूँ कि मर्दों के ज्यादा गिरते हैं बाल, मेल पैटर्न बैल्डनेस थोड़ी ज्यादा होती है, बट लेट्स सी, इस पर जरा हम दोनों एक्सपर्ट नहीं है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैनब जलील ने, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप लोग ठीक? क्या मर्दों के बाल ज्यादा गिरते हैं? मर्दों के भी और खवातीन के, देखा, दोनों देखा, सबके बाल गिरते हैं, ये तख्सीस हो रही थी, ये खवातीन, ये दो खवातीन मिल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी कि सिर्फ मर्दों के बाल, खवातीन भी सोचती है, उनको भी डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपके या मेरे बाल अच्छे हैं तो मतलब सबके तो नहीं होंगे ना, किसी के कम भी होते हैं। अच्छा, बेसिकली रीजन क्या होता है इतना ज्यादा, जो हमारी सोसाइटी में हम हर तीसरा चौथा बंदा या बंदी देखते हैं कि वो गंजपन का शिकार है, बाल कम हो रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं, तो क्या अब ये बढ़ गए हैं इस तरह के केसेस, या पहले भी होते थे, पहले लोग बॉदर नहीं करते थे? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसमें, आपका जो हेयर फॉल है उसमें कुछ इंटरनल कॉजेज़ हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं जिनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एक और जो मेन फैक्टर है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में है हेयर फॉल, चाहे फादर की साइड पर या मदर की साइड पर, तो फिर आगे बच्चों में भी चांसेस होते हैं हेयर फॉल के। इंटरनल कॉजेज में फिर हम कुछ डेफिशिएंसीज को देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसीज हैं या विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, वो बहुत हेयर फॉल की वजह है, उसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स में आजकल हेयर फॉल हो रहा है। एक्सटर्नल कॉजेज में अगर हम कहें तो पानी सूट नहीं कर रहा, या आबोहवा के आपने कोई सिटी चेंज की है उसकी वजह से बहुत से लोगों में हेयर फॉल देखा गया है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बाल गिरने की जब भी बात होती है हम देखते हैं कि एक तो ख़वातीन की स्पेशली मैं बात करूं, किसी के थिन बाल होते हैं, उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स होते हैं शौकिया, किसी ने कैरेटिन करा लिया, किसी ने बोटॉक्स करा लिया, कुछ भी कराया, उससे भी आपके बाल गिर जाते हैं। फिर ये होता है कि अगर बाल गिर गए तो लोग सप्लीमेंट के तौर पर या मल्टीविटामिन के तौर पर बायोटिन वाली टेबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, इज़ दैट फाइन? क्या बायोटिन आपके बालों के लिए ज़रूरी होते हैं? बाकी जैसे आपने विटामिन डी का जिक्र किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो लोग नहीं लेते? अच्छा, कुछ तो मल्टी वाइटमिन हैं, उसमें बायोटिन, जिंक, बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। रोकती नहीं, बिल्कुल हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली स्लो डाउन अगर एक पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हेल्प करती हैं, साथ में कुछ प्रोसीजर्स। अगर पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी के लिए हमें अलग से सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, बायोटिन और या जिंक सप्लीमेंट्स उसकी कमी को पूरा नहीं करेंगे। okay. उसका अलग से एक प्रोटोकॉल है जो पेशेंट को हम स्टार्ट करवाते हैं और पेशेंट को अलग से उसके लिए, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, वेरी करता है। स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर लॉस एंड हेयर फॉल में? स्ट्रेस का तो बहुत मेन फैक्टर है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आपके ऐसे कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। और भी बहुत से साथ में सिम्टम्स होते हैं, वेट गेन होना, ख़वातीन में बाल गिरने के साथ साथ आपके चेहरे पे बालों का ज़्यादा होना, ये भी बहुत मेन फैक्टर अच्छा, है। अच्छा, एक तो तरफ बाल गिर रहे हैं और एक तरफ बाल आ रहे हैं, और दोनों ही ज़्यादा बड़े मसले हैं। अच्छा, बालों को ट्रांसप्लांट कराना क्या रिकमेंडेड होता है, या जो बाल चले गए क्या मेडिकेशन से वो वापस आ सकते हैं? डिपेंड करता है पेशेंट की, बालों की कंडीशन पे। अगर तो इस तरह का हेयर फॉल है जो किसी ख़ास वजह से है, तो और अगर इतना हेयर फॉल नहीं है या पेशेंट कैंडिडेट नहीं है फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो हम उसको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं लेके जाते। शुरू में PRP ट्रीटमेंट्स, मल्टी विटामिन, शैम्पू चेंज करना, या थोड़ी सी डाइट
का बताना, ये सब चीज़ें बता के हम उनका हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर पेशेंट का डिपेंड करता है किस पैटर्न का या किस स्टेज पे है हेयर फॉल, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट कुछ पेशेंट्स में हम जरूर रिकमेंड करते हैं, उसका फायदा है. बिल्कुल सही. मैं फिर फेशियल हेयर पर इसलिए आऊंगा, क्योंकि जाहिर है हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ बाल गिर रहे हैं, सर से बाल गिर रहे हैं और फेशियल हेयर आपके आ रहे हैं, खवातीन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज एन इशू नाउ. इवन मर्दों के लिए भी है, अगर आपके ज्यादा ही बाल आ जाए, दाढ़ी के अलावा ही बाल आ जाए, तो इशू तो है. ये हार्मोनल ही है इसके रीजन. अच्छा, फेशियल हेयर या जिस्म पे बाल ज़्यादा होना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर कहें तो हिर्सुटिज़म कहते हैं. ठीक है, उसमें क्या है हिर्सुटिज़म, कि आपका उन हिस्सों पे ख़वातीन के बाल आ जाना या मोटे बाल आ जाना जहाँ पे यूजुअली या नॉर्मली ख़वातीन के नहीं होते, या इस तरह कहें कि मेल पैटर्न में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाना. ठीक है, जिसमें आपका फेस है, चेस्ट है, टमी है, आपका बैक है, इस पे मोटे और काले बाल अगर आना शुरू जाएँ तो उसको हम हिर्सुटिज़म या बालों का ज़्यादा होना कहते हैं. और इसमें मेन फैक्टर जो है वो हार्मोनल इम्बेलेंस ही है. ओके, कि उसका अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसमें फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है. साथ में उसके और भी सिम्टम्स होते हैं, आपका वेट गेन होना, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाना, एक्नी होना, आपके इरेगुलर साइकल्स. इसके लिए फिर कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल, हार्मोनल प्रोफाइल हम करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं. इसमें मेन इशू जो ख्वातीन में देखा गया है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी, पीसीओएस का, जिसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, पानी वाली थैलियाँ जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ख्वातीन में बहुत हेयर फॉल देखा गया है. और साथ में आपकी फेस पे फेशियल हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है. अच्छा, अगर हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से आपके लेट्स सपोज कॉमनली फेस पे बाल जो होते हैं वो ज़्यादा लड़कियों का कंसर्न होता है, क्या उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड होते हैं? पर लेज़र भी दो तीन तरह के होते हैं, एक ILP होता है आई गेस, एक दो और भी होते हैं, विच वन इज़ रिकमेंडेड, और क्या ये हर कोई करवा सकता है या मेडिकेशन से ये ट्रीटेबल है? अच्छा, इसमें पहले तो स्किन असेसमेंट पेशेंट की बहुत ज़रूरी है, कि स्किन टाइप क्या है, हेयर ग्रोथ किस तरह की है, फिर हम उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हम वेट लॉस के बारे में भी काउंसिल करते हैं, कि जब आप पेशेंट वेट लॉस करता है तो 5% तो उसमें ये जो हार्मोन्स हैं आपके वो नीचे आना शुरू जाते हैं और उसमें भी आपकी ग्रोथ कंट्रोल होती है. साथ में कुछ मेडिसिंस हैं और ऑब्वियसली लेज़र हेयर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बालों को कम करने में मदद करते हैं. लेज़र की डिफरेंट टाइप्स हैं जो पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, लेकिन जो लेज़र भी है उसका काम ये है कि वो जो आपका हेयर फॉलिकल है, जो वो लेज़र से हीट रिलीज़ हो रही है, वो उसकी रूट को बर्न करके वो लाइट को हीट में कन्वर्ट करके हेयर फॉलिकल को बर्न करता है. लेकिन हम यूजुअली देखते हैं जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिनके पास मैंने दो तीन दफ़ा विजिट किया होगा, उनके पास हेयर रिमूवल के लिए एक ही मशीन होती है और वो हर बंदे पे यूज़ हो रही होती है, इज़ दैट फाइन? नहीं, ज़रूरी नहीं है. हेयर अब तो लेज़र हेयर रिमूवल के लिए बहुत सी मशीन्स आ गई, उसमें डायोड है, ND-AG है, IPL है, जैसे आपने कहा. अच्छे क्लिनिक जाना है आपने अगली बार? नहीं, अच्छे पे भी एक ही मशीन होती है, जरा महंगे वाले पे जाना जहाँ पे तीन चार मशीनें हो. लेकिन मशीनें कोई नहीं रखता, और भी बड़ी मशीनें रिक्वायर्ड होती है, बड़ी महंगी होती है, हर पेशेंट पे यूज होती है. लेकिन ऑब्वियसली हर पेशेंट से पहले हम वही स्टरलाइजेशन और इन सब चीज़ों का हम ख्याल करते हैं. हमें आजकल पेशेंट्स को खुद भी इतनी अवेयरनेस है कि वो आके आपका देख भी रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं, हमें खुद भी ख्याल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं. सही, वंडरफुल. अच्छा, इससे पहले जब हेयर लॉस की हम बात कर रहे थे बालों के लिए, तो PRP का जिक्र हुआ. PRP के बारे में ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि ये काम नहीं करता, मतलब आप PRP करवाते हैं बस कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बस एक पैसे बनाने का जरिया है, इज़ दैट ट्रू? PRP बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट है. ठीक है, इसमें पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करके, पेशेंट का अपना, वही हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रिपेयर करके प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके वही हम इंजेक्ट करते हैं. तो वही जो पेशेंट का अपना प्लाज्मा है वो एज अ ग्रोथ फैक्टर काम कर रहा है. ठीक है, और PRP के अच्छे रिजल्ट्स देखे गए. अच्छी बात ये भी है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पेशेंट का अपना. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब पे एक जैसा इफेक्ट करे. जरूरी नहीं, और पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट्स वेरी करते हैं. लेकिन ये जरूर कहा जाता है स्लो भले होगा लेकिन इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं. जो मेंटेनेंस सेशंस आपको लेने पड़ते हैं, जितने हम रिकमेंड करते हैं, अगर एक पेशेंट को फर्ज करें 4 सेशंस की ज़रूरत है, वो करवाने के बाद फिर पेशेंट को हम मेंटेनेंस पे डाल देते हैं कि 6 मंथ्स में एक दफ़ा आपने करवा लिया, लेकिन इफेक्टिव है बहुत, हेयर फॉल काफ़ी मेन जो उसका इफेक्ट है कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल, वो हेयर फॉल रुक जाता है. अच्छा, वेट लॉस की आपने जब बात की, आपने कहा हार्मोनल इम्बेलेंस अगर हो तो आप फिर ज़रा वेट लॉस की बात करते हैं ताकि आपका हार्मोनल बैलेंस हो. लेकिन जो लोग खुद डाइट करते हैं वेट गिराने के लिए, वो डाइट कर रहे हैं, वेट गिरा रहे हैं, लेकिन साथ बाल भी गिर रहे हैं. एक तरफ वो वजन गिरा रहे हैं,
सात बाल गिर रहे हैं। उसमें यही है कि बैलेंस डाइट, ठीक है, किसी प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान लेके अगर आप प्रॉपर वो फॉलो कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। साथ में ऑब्वियसली आपने मल्टी विटामिंस लेनी है या आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं होगा, होपफुली इंशाल्लाह। ओके, और ये भी कहा जाता है ना कि आप सॉरी सलमा के अंडा खाएं, आप प्रोटीन डाइट लें तो आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। डाइट बहुत मैटर करती है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे आपने बताया प्रोटीन्स ये चीज़ें आप लेंगे तो हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है और आपको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर सैनम, अभी मेरे पास दो सवाल हैं। एक ऑडियंस का सवाल, व्हाई कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, और मेरा सवाल ये है कि कोलेजन प्रोड्यूस करने के लिए स्किन में लोग बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, तो बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट क्या आप समझती हैं कि कोलेजन किसी मेडिसिन से या क्रीम्स के साथ डेवलप हो सकता है? अच्छा, कोलेजन बहुत सी आपका अगर डाइट अच्छा है तो उससे भी, लेकिन क्रीम्स या टैबलेट्स ऐसी हैं जिनको हम अगर, क्योंकि विद टाइम विद एज पेशेंट में कोलेजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन एज करना शुरू हो गई है, तो फिर कोलेजन देने का फ़ायदा ज़रूर होता है कि वही बात है, स्टॉप नहीं लेकिन हम उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। एंड वाई वेरी एक्सपेंसिव, हमें तो बहुत ज़्यादा फीसेस क्यों चार्ज करते हैं, ट्रीटमेंट तो बाद में आता है, सिर्फ कंसल्टेशन के 2-3 हज़ार भाई, कम अज़ कम 2-3 हज़ार। अच्छा, उसमें ये देखें ट्रीटमेंट्स तो डिपेंड करता है, आजकल जो लेज़र्स हैं या जो हम यूज़ करें वो ऑब्वियसली वो मशीन्स कोई सस्ती नहीं आती हैं, अच्छा वो हमें भी कॉस्ट करती हैं, लेकिन कंसल्टेशन की जहाँ तक बात है उसमें कंसल्टेशन ये तो अभी चल ही रहा है कि सब डॉक्टर्स का यही है, लेकिन कंसल्टेशन में आपका मेन जो आपका पेशेंट के साथ है कि उसमें ही आप पेशेंट की सारी आपकी हमारी कंसल्टेशन का क्या है, एक एक घंटा हमारी कंसल्टेशन चल रही होती है। नहीं देखें, बाकी डॉक्टर्स में ये होता है कि किसी बीमारी में आप डॉक्टर के पास गए हैं ना, टेस्ट होंगे थोड़े से महंगे और अगर टेस्ट नहीं होंगे तो मेडिसिन इतनी महंगी नहीं आएगी। डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेडिसिन लिख के देगा ना वो हज़ारों में कॉस्ट करेगी, वो सस्ती मेडिसिन सारी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें डिपेंड करता है, ऐसी भी है हम पेशेंट को सस्ती प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करते हैं जो हमारी लोकल है, वो सस्ती नहीं महंगी वाली असर करती है। नहीं डिपेंड कर, नहीं महंगी वाली ये पेशेंट की सोच में होता ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पेशेंट्स हमें खुद कह रहे होते हैं कि आप हमें महंगी वाली अच्छी वाली दवाई दें, फिक्र ना करें, ताकि मतलब अगर अच्छी होगी तो जरूर महंगी होगी ये लोग सोचते हैं। हाँ ये लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, सस्ती कम प्राइस में भी अच्छी मेडिसिन मिलती है, डिपेंड करता है कि अगर आप पेशेंट को उसके हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं कि जो पेशेंट का इशू है, लेकिन फीस की ज्यादा है और ऑब्वियसली अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो थोड़ा महंगा होगा। हाँ। ये तो समझ में, लेकिन सिर्फ कंसल्टेशन पे ना मतलब बहुत पैसे लग जाते हैं। ये सब चाह रही है कि आप आज अनाउंस कर दें कि सुबह के सारे तमाम व्यूअर्स के लिए अगला हफ्ता फ्री कंसल्टेशन है, आपके लिए फ्री है, दैट्स गुड, मैं अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब होगा, हमारी टीम के लिए भी है ना, टीम के लिए डन। ये बहुत शरारती हैं, ये बहुत शरारती हैं, इस क्लिप को निकालेंगे और बार बार आपको भेजेंगे। जस्ट किडिंग, वैसे ये मजाक था, इसका हकीकत से कोई नहीं। जाहिर है देखिए, आपकी जाहिर है एक पूरी मेहनत होती है, एक नाम जब आप बनाते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जनरली भी आप देखते हैं आप डॉक्टर्स की फीस ज्यादा है, आप किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए 3500 चल रही है फीस, तो जनरली भी फीस अब ज्यादा है। देखिए जो बात प्रोडक्ट्स की हुई है, ये बड़ा अच्छा कि गाइड किया जाए डॉक्टर की तरफ से कि अच्छा आपका बजट कितना है, आपको उस बजट के अकॉर्डिंगली ब्यूटी आपको बताई जाएगी कि कितनी ब्यूटी आप हासिल कर सकते हैं, कितने खूबसूरत होने के पैसे जेब में, जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। जरा ट्रीटमेंट है ना, आपने उसके सेशंस लेने हैं, फिर पीआरपी हो, वो लेजर हो, और कोई सेशन हो, मल्टीपल सेशंस आप लेंगे तो दैट कम्स विद अ कॉस्ट, ब्यूटी कम्स विद अ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए आसानी हम ये है जनाब के स्ट्रेस ना लें, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर, स्ट्रेस नहीं लेंगे आप तो आप के वैसी बाल नहीं गिरेंगे, आप वैसी हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप और इस मौजू पर गुफ्तगु कर रही थी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे दीगर मौजूदात के साथ, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, डायमंड जुबली तकरीबात शुरू हो चुकी हैं, कब से शुरू हैं और अभी तक जारी है ये सिलसिला, बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं और डायमंड जुबली के सिलसिले में बिल्कुल आपने जो 5 रोज़ा तकरीबात का जिक्र किया वो पार्लियामेंट हाउस में जारी है, दस्तूर साज असम्बली के हवाले से भी हमने देखा कि एक तकरीब हुई और अभी ये जो 5 रोज़ा तकरीबात है इसमें 3-3 दिन के डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट सेशन है, और कल का जो दिन था वो अकलियतों के नाम रहा, कल अकलियती कन्वेंशन हुआ, अकलियतों के हकूक़ से मुतालिक कन्वेंशन हुआ, कायद का जो फरमान था
उसके मुताबिक अकलियतों को पाकिस्तान में हुकूक दिए गए। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग अकलियतों के हुकूक की तर्जमानी करता है, अकलियतों की तर्जमानी करता है, और पाकिस्तान ने जितना अकलियतों को फैसिलिटेट किया दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। जितनी ज़्यादा उनको मजहबी आज़ादी यहाँ पर हासिल है, रहन सहन की आज़ादी हासिल है, इबादत गाहों में जाने की हर तरह की आज़ादी उनको दी जाती है, हर तरह के राइट्स उनको दिए जाते हैं, और जितने अच्छे से पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है उसकी हमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। तो कल ये जो कन्वेंशन था उसको हमारी टीम मेंबर मारिया नवाज ने कवर किया है। उनकी क्या बात हुई, क्या वो इवेंट रहा, आपको दिखाते हैं। 11 अगस्त अकलियतों का दिन, पार्लियामेंट हाउस में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिए। ये आपकी पार्लियामान है, आपकी आवाज इस ईवान में गूंजती रहेगी। मुत्तहिद और जमहूरी पाकिस्तान के लिए इस ईवान को आपके साथ तावन और भरपूर रहनुमाई दरकार होगी। इस ईवान की ताकत आप हैं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा आप अवाम हैं। कौमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या पैगाम देते हैं? हमारी जितनी भी अकलियतें, ख्वाब वो हिंदू बिरादरी हो, हमारी क्रिश्चियन बिरादरी हो, पारसी हो, सिख हो, ये तमाम पाकिस्तान की जो आबादी है तक 22 करोड़ आवाम, उसका हिस्सा है। हमें इनको इसका हिस्सा समझना चाहिए। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को हमें बता दिया था कि कैसा पाकिस्तान होगा आइंदा चल के, जिसमें तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, ख्वाह उनका मज़हब कुछ भी हो, उन्हें अपनी इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी होगी और मज़हब का जो है हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये हमें बता दिया गया। 11 अगस्त जो है अकलियतों का हमारा कौमी दिन है पाकिस्तान में, और इसकी वजह तस्मिया ये है कि 11 अगस्त 1947 को जब तकरीर की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, बानी ने पाकिस्तान ने, तो उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया कि रियासत को आपके मज़हब से कोई मतलब नहीं है, आप आज़ाद हैं अपनी इबादत गाँव में जाने के लिए, रियासत के साथ जुड़ जाइए और इसकी खिदमत कीजिए। सब पाकिस्तानी हैं, हम सब जब पाकिस्तानी बन के सोचते हैं तो कोई अकलियत कोई अक्सरियत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें ये फ़र्क मिटाना है तो फिर हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा, एक दूसरे को बाहमी रवादारी के साथ, बाहमी एक यगानगी के साथ, यकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें उस फ्रेम में आना पड़ेगा जिसमें हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा वतन है। इसकी तामीर, इसकी जो आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए हमको पाकिस्तानी बन के सोचना है। पाकिस्तान के क़याम के बाद ये पहली मरतबा है कि पार्लियामान में तमाम माइनॉरिटीज़ को, जिनमें हिंदू कम्युनिटी, ईसाई और सिख सब हैं, उनको बुला के तो ये सेलिब्रेशन 75 साल डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की जा रही है, और इसके लिए ख़ास तौर पे स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम इत्तेहादी जमातें जो आज हुकूमत में शामिल है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया स्पीकर साहब ने, और ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के परचम में तो सफ़ेद रंग माइनॉरिटीज़ को ज़ाहिर करता है, लेकिन आज अमलन उनको ये एहसास दिलाया गया है कि आप हमारे साथ हैं। जिस तरह सब्ज़ और सफ़ेद रंग परचम में इकट्ठे हैं, इसी तरह हम और तमाम गैर मुस्लिम इस पाकिस्तान में इकट्ठे हैं। इस मौके पर स्पीकर की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से अकलियतों को यहाँ बुला के उनका नशस्तों को मेहमान बनाया गया, तो इससे ये मैसेज हमने दे दिया कि आपके हुकूक पाकिस्तान में महफूज है, और जो भी हमारे मुस्लिम हजरात के कवानीन है या जो हुकूक है उसमें आप बराबर के शरीक। ऐसे कन्वेंशंस का इनेकाद, स्टेक होल्डर्स का आना और इन इश्यूज पर बात करना हमारी संजीदगी को जाहिर करता है और हम आंगी के लिए इंतहाई अहम है। मारिया नवाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जबरदस्त जी, मारिया नवाज कल वहाँ पर थी और आज भी जाएंगी, और आज की कल वहाँ पे थी, आज यहाँ पे आज जाएंगी ना, आज जाएंगी वहाँ पर। आज जो वहाँ पर गहमा गहमी होगी वो हमें कल दिखाएंगे, बल्कि आज हम
कोशिश करेंगे कि साथ जाएं जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। जब बात हम नौजवानों की करते हैं, यूथ की करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हाँ मेरी बात तो इसमें है, तो मेरी भी है। आप 14 साल की नहीं है अभी? देखे 14 साल से ज्यादा वालों की बात हो रही है। अच्छा, डबल कर ले, क्या फर्क पड़ता है। चले मैं तो वैसे निकल गया फिर इसमें से। अच्छा एनीवेज जी, पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन जो है ना 63% जो है यूथ पर मुश्तमिल है, ये लास्ट अगर हम स्टैट्स की बात करें जो कि अवेलेबल है, प्लस माइनस कर लेते हैं, बट एनीवे 63% जो है आपकी आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है। तो यानी बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके आपके डायनामिक्स को समझने के लिए तो बहुत अहम है। और आज जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो हम ये तो देख रहे हैं कि नौजवान नाम भी बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको चैनलाइज करने की स्टिल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से नौजवान ऐसे जो टिकटॉक पर हैं, सिर्फ टिकटॉक पर ही हैं, उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ लोग उस पर भी कमाल करते हैं, मैं ये नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट ज़रा चैनलाइज करने की ज़रूरत, उनकी सोच को, उनकी एनर्जी को, उनकी पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम चैनलाइज करें। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब हम बात यूथ की करते हैं, उनके इश्यूज़ की करते हैं, लॉज फॉर्मुलेट करने की करते हैं, अवेयरनेस की करते हैं, तो ये कैसे इस पर काम हो रहा है और कहाँ कहाँ पर कमी कोताहियाँ हो रही हैं, कैसे इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बात करने के लिए अफशा अहमद साहब ने ज्वाइन किया, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स, आज प्रोग्राम में मधु किया उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अफशा तहसीन, अफशा तहसीन, सॉरी जी ये मेरी गलती, अफशा तहसीन साहब। अच्छा अफशा साहब, यूथ डे, ज़रा आपका जिस तरह का काम चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी है, बट ज़ाहिर हम देखते हैं कि 15 साल से ऊपर ही नहीं, अगर बच्चे की बात करें तो 18 साल तक तो बच्चा ही है वो, और 15 से ऊपर यूथ में आ रहा है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी उसमें भी आ गई। अब ज़रा एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान में जब हम यूथ को चैनलाइज करने की बात करते हैं, पिछले 8-10 साल कैसे देखे आपने? देखें ओवरऑल हमें 8-10 साल क्या कि बहुत शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर हम देखें तो हमारे इस मुल्क में की बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है, जहां हमारे फाउंडर्स थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे लीडरान थे, तो साइड बाय साइड देखें कि यूथ जो थे वो बिल्कुल उनके शाना बशाना वो चल रहे थे। आप पुरानी तस्वीरें भी देखें तो आपको तमाम उन तस्वीरों में जहाँ जहाँ हमारे बड़े हैं वहीं वहीं हमारे बच्चे और यूथ उनके साथ खड़े हैं। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो इस बात पर होता है कि वो मुल्क अपने बच्चों और यूथ पर कितना इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये बच्चे ये यूथ हमारे आने वाला कल होते हैं। आने वाले कल में इन्होंने हमारे तमाम जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी जगह लेनी होती है। तो डेफिनेटली और हमारा मुल्क इसलिए खुशकिस्मत है कि अफगानिस्तान के बाद साउथ एशिया में ये यंगेस्ट कंट्री है आबादी के लिहाज से, जहाँ पे के मेजॉरिटी नौजवानों पर मुश्तमिल है। सो इतना बड़ा पोटेंशियल किसी मुल्क के पास हो और फिर वो मुल्क उसको किस तरह से हार्नेस करते हैं उस पोटेंशियल को, उन तमाम लोगों को की जो उनको तरक्की की राह पे गामजन करता है, उनकी डेवलपमेंट को किस तरह यकीनी बनाता है ताकि वो मिल के उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और मुल्क की तरक्की की भागदौड़ में वो क्या किरदार अदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं साथ ये भी बताती चलूँ कि अब आप अक़वामे मुत्तहिदा को भी देखें तो बहुत अरसे से अक़वामे मुत्तहिदा ने भी इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि किसी भी मुल्क की अगर तरक्की चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो जो इंटरजेनरेशनल जो गैप है उसको कम करना पड़ेगा और यूथ को अपने जो कमिंग जनरेशन हैं उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और तमाम वो मामला जो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, उनकी जिंदगियों से भी रिलेटेड है, उसमें उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना पड़ेगा। जब तक ये इंटरजेनरेशनल जो गैप है, एजिज्म को इसको कहा जाता है, इसको जब तक पे अमल पैरा नहीं किया जाएगा तो हमारा मुल्क में एक डिवाइड आ जाएगी, और यूथ ही एक आपका आने वाला कल है, उन्होंने आपके आगे चलना है। तो जो आज हम अपने यूथ पे इन्वेस्ट करेंगे वही वापस हमारे पास आएगा। तो हमें लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट तो कोई मौका ही नहीं है। और फिर आजकल चूंकि 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये सोने पे सुहागा हो गया है कि हम इस वक्त जो अपना यूथ है उनके हाथ में ये अलम पकड़ाएं, ये परचम पकड़ाएं, उनकी आपने संभाला, उनकी कोचिंग करें, उनकी मेंटोरिंग करें और उनके पीछे खड़े हों।
और उनको एक ट्रस्ट दें, एक कॉन्फिडेंस दें और उनको डेलीगेट करें। अफशा साहिबा, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक के हालात का आपने जिक्र किया, हर दौर में मसाइल रहते हैं, मसाइल की नौइयत बदल जाती है, लेकिन यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इवन हर एज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और उनको डील करना सोसाइटी के ही लोगों का काम होता है। अभी हम जिक्र कर रहे हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों का जो हमें करनी चाहिए, हम अभी तक क्या करने में कामयाब हो चुके हैं? देखिए, ओवरऑल अगर इंडिकेटर्स को आप देखें, जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, तो अभी हमें शायद बहुत आगे जाना है, अभी हम उस लेवल पे नहीं है। अगर हम एजुकेशन को देखें तो मेरे ख्याल से बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि 4% तक तो हम एजुकेशन का बजट यूटिलाइज करें, इन चीज़ों पे अभी हमें बहुत फोकस करना है। जो ख़ासकर इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी, पिछली दहाइयों में ज़िंदगी और थी, अभी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब आपको पता है जिस तरह से कि फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है, कि अब आपके साथ सरहदों पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, अब आपके सोच को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे नौजवान हैं जिनका के कोविड भी आया और उनकी ज़िंदगी का, बच्चों का भी बेशतर हिस्सा एक्चुअल से वर्चुअल पे चला गया और टेक्नोलॉजी के साथ वो बहुत ज़्यादा लिंक हो गए, अब हमें देखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है क्या ये एक नेगेटिवली रोल प्ले करती है, या इसी टेक्नोलॉजी को हम कन्वर्ट करके इन अपने नौजवानों और बच्चों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, ताकि इसी टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल हो और उसके थ्रू वो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, मेंटली एक पॉजिटिव बेनिफिट लें, ना कि उसके इस्तेमाल से एक सोसाइटी में फर्दर जो है सॉलिडेरिटी की बजाय, सॉवरेनिटी की बजाय एक डिवाइड क्रिएट हो जाए। तो हमें लगता है कि ये जो दौर है ये ज़्यादा मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, इसमें स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ को बहुत इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है, और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिवनेस को, दोनों को हमें क्लब करना होगा, ताकि हमारी स्टेट और हमारी पॉलिटिकल विल और हमारी सोसाइटी मिल करके एक ऐसा किरदार अदा करे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, इस तरह के एक्शंस ले जिसमें हमारी यूथ जो है वो पॉजिटिवली इंगेज हो जाए, और ये हो सकता है। ये जो हमारे कहते हैं ना कि हमारे जो मिलेनियल्स हैं और उसके बाद जो जनरेशन जी है, दे आर वेरी स्मार्ट, सोच से आगे हैं, हमारी सोच से भी आगे हैं, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे मुल्क में, तो इस ब्लेसिंग को हमें कैपिटलाइज करना है और उनके पोटेंशियल को चैनलाइज। एग्जैक्टली, जब चैनलाइज की करने की हम बात करते हैं अफशा साहिबा, अब बहुत से मुल्क ऐसे, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, और मुल्क ऐसे जहाँ पर हम ये सुनते आए कि जी वहाँ पर आबादी भी कम है, वहाँ पर वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है, और हमारी ही यूथ ऐसी जो जिनके जो ख्वाब देखते हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाकर काम करना है, वहाँ कमाना है, लेकिन मालूम नहीं है अच्छा किस मुल्क में क्या वर्क फोर्स रिक्वायर्ड है, क्या ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपने अटेन करनी है, फिर आपने वहाँ जाके काम करना है, ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजना है। तो गवर्नमेंट को या इदारों को इस लेवल पर काम करने की भी आपको लगता है ज़रूरत है कि ज़रा बताया जाए यूथ को कि आप ज़रूर जाएँ, इस मुल्क में ये रिक्वायरमेंट है, आपने करना सिर्फ ये है। मुझे लगता है कि ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि एक मुल्क में, एक हमारे यहाँ एक सोशल टैबू बन चुका है कि सब ने GM ही बनना है, सब ने CEO ही बनना है, सब ने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन आप बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पे वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, सबकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी इक्वल है। वहाँ पे ये स्टिग्मा नहीं है कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ, साथ में ने पेट्रोल पंप पे भी कुछ अर्सा काम कर लिया, मैंने किसी फूड किसी के इस तरह की जगह पे मैंने काम कर लिया, यहाँ पे स्टिग्मा लगा दिया जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं फिर तो हमारी शादियाँ ही नहीं होंगी, ऑन द लाइटर नोट। सो हमें पहले तो इससे बाहर आना है, डिग्निटी ऑफ वर्क को हमने इंश्योर करना है कि कोई भी वर्क है, डिग्निटी शुड बी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, नॉट कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी भी लेवल पे काम कर रहा है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी का रिवाज हमने लेके आना है वेस्ट की तरह। दूसरा ये कि बाहर के ममालिक में भी, और फिर आप तो बाहर ना भी जाएं तो ऑनलाइन आप बाहर के ममालिक को आप बहुत सारी आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो अभी हमारे मुल्क के अंदर जो ज़्यादा पॉलिसी होनी चाहिए कि जो स्किल सेट्स है, जो ऑनलाइन बहुत सारे काम हो सकते हैं, उनको बकायदा एज अ पॉलिसी लॉन्च किया जाए और फिर इन नौजवानों को कनेक्ट कर दिया जाए। बिल्कुल। और इस वक्त वैसे भी अर्निंग के लिहाज से ऑनलाइन पाकिस्तान शायद दुनिया के चौथे नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने नौजवानों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्री और एजुकेशन, बिकॉज आप गूगल को भी देखें और वो डिग्री की बेसिस पे नौकरियां नहीं दे रहे, वो स्किल की बेसिस पे दे रहे हैं। तो फोकस आप स्किल पे ले आए, स्किल आप सीख सकते हैं। आजकल तो अनपढ़ बंदा भी मोबाइल बड़ा
ज़बरदस्त ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसी को यूज़ करें जो कि हमारे यहाँ हर एक के पास टेक्नोलॉजी है, आप उसी के बेस पे स्किल के साथ कनेक्ट कर दें और फिर आप घर बैठे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरह की पॉलिसीज़ को अभी मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसे अदारे अब लेके आने चाहिए जो स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन जो मुख्तलिफ तरह की, और चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिर वो वहाँ जाकर, वो जहाँ जाके, मैंने बात इसलिए की अफसर साहब, चूँकि वो चाहे फिर पेशेंट केयर हो, एल्डरली केयर हो, ऐसे डिपार्टमेंट्स हो, इसमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और अच्छा पे करते हैं, डिग्निटी आपने बढ़ा, तो उसका डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, यहाँ से हम आराम से वहाँ भेज सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, लेकिन अफसर साहब अभी आपने बात की कि रिगार्डलेस ऑफ डिग्री हम अपने यूथ को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मसला उसी यूथ का है जिस वक्त सड़कों पर है, जो स्कूलों से बाहर है, उनके लिए स्किल्स सीखना भी एक चैलेंज है क्योंकि वो स्किल सीखने से ज्यादा प्रेफर करते हैं, अगर कोई बच्चा कूड़ा चुन रहा है उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, अर्निंग उनका मेन एजेंडा होता है। अब उन बच्चों को हम कैसे कुछ सिखाएं, उनको कैसे यूटिलाइज करें, उन बच्चों को कैसे मुल्क की तरक्की के लिए मोटिवेट करें? जी, आपको जैसे मैं शायद जिक्र नहीं हुआ कि 2-2.5 साल पहले ये कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बनाया गया और मैं उसकी पहली चेयरपर्सन हूँ। तो हमने आते ही सबसे पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन, बहुत सारे 3-4 इशूज़ पे फोकस किया जिनमें से एक प्राइम हमारा फोकस था स्ट्रीट चिल्ड्रन, और उस पर बाकायदा हमने एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, आप घर से निकलते हैं तो आपको दाएँ बाएँ वो बच्चे नज़र आ रहे हैं जो गलियों में हैं, स्ट्रीट में हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से कोई कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं सर्वे है। भी तो इसके ऊपर जो है ना, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज अ प्रायोरिटी काम करना चाहिए। हम भी उस डॉक्यूमेंट को भी फ्यूचर में पार्लियामेंटेरियंस के साथ रोल आउट शुरू कर देंगे, बिकॉज हमें उन बच्चों को, चाहे वो जो हैजर्डस किसी लेबर में नहीं लेके आना, और उनको किसी वॉयलेंस का शिकार नहीं होने देना, उनको किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं होने देना, क्योंकि जो बच्चे सड़कों पे होते हैं फिर उनका ड्रग्स का भी इस्तेमाल है, अब्यूज़ भी है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, वायलेंस भी है, और ट्रैफिकिंग भी है। तो इन सब बच्चों को हमें देखना है कि कैसे इनकी एजुकेशन, और अगर जरा बड़ी एज है तो स्किल में किस तरह हम इसको। लेकिन अफसर साहब, इस वक्त हम कैपिटल में बैठे, मैं इस्लामाबाद की बात करूंगी कि बहुत सी एनजीओज भी काम कर रही है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बच्चे वर्कशॉप्स में होते हैं, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन की हम बात करें, उसमें कूड़ा चुनने वाले, मांगने वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए काम करें, उसके बावजूद हमें वो काम बहुत ज्यादा नजर नहीं आता बेशुमार एनजीओज के बावजूद। क्या हम हर चीज गवर्नमेंट पे डालेंगे? क्या हमारे यहाँ और ऐसे इदारे नहीं हैं जो स्टेप फॉरवर्ड करें, इन बच्चों को लुक आफ्टर करें, इनकी तालीम पे खर्च करें, इनको स्किल्स सिखाएं? देखिए, दोनों तरह से काम हो सकता है। सबसे पहली बात यह कि गवर्नमेंट के पास इसका एक हल ये है कि इनके वालदैन को, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे पहले बिस में भी होता रहा है कि इन जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं हमारे पास, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास या इस तरह के बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट ने ऐसे आए, हर गवर्नमेंट ने अपने दौर में इस तरह की जो हैं वो इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें अगर इनके वालदैन को आप लिंक कर देंगे, कंडीशनल कर देंगे, जो उनको के मंथली दी जाती है, अगर उसमें कंडीशनल हो जाए कि ये बच्चे कुछ घंटे स्कूल जाएंगे तो उस सोशल सेफ्टी नेट्स की वजह से इनके वालदैन थोड़े इंगेज हो जाएंगे, इकोनॉमिकली थोड़ा उनको सपोर्ट मिलती जाएगी, और उस कंडीशन की वजह से वो अपने बच्चों को भी फिर कुछ, अगर ये कंडीशन लगा दी गई और लगाई जाती भी है कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो इसके बदले में इतना महाना वजीफा मिलेगा। तो मेरा ख्याल है एक तो इस तरह से जो सोशल सेफ्टी, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, इन तमाम बच्चों को उनके साथ लिंक करें, और दूसरा इसका जो आसान सा हाल है कि पाकिस्तान के अंदर नेफ्ट एक्ट, टेफ्टा और ऐसे बहुत सारे वोकेशनल स्किल्स के स्मीडा, उनको थोड़ा सा उसको रीस्ट्रक्चर करें, रीथिंकिंग करें, उनको एक्टिवेट करें, और इन तमाम बच्चों को आप लिंक करें ताकि बच्चे कोई बेहतर हुनर सीखें, और उसके बाद बच्चे जो हैं अपने आने वाले वक्तों में एजुकेशन के साथ साथ हुनर सीखेंगे तो वो प्रोडक्टिव होंगे और इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, द बॉटम लाइन इज कि आपने स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी है, आपने स्किल सेट एक तो नए इंट्रोड्यूस कराने हैं जो मॉडर्न दौर के तकाजे हैं, और अपने बच्चों को, अपने यूथ को उन स्किल सेट्स की तरफ लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया अफसर साहब, साथ मौजूद थी यहाँ पर इस अहम दिन पर, इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और ज़रा हम बात कौमी खेल की करते हैं, बात हम हॉकी की करते हैं। जब हम बात हॉकी की करें तो हॉकी का मैदान ऐसा ज़रा हमारा कौमी खेल कि एक वक्त ऐसा था, माजी ऐसा था, शानदार था, ताबनाक था, पाकिस्तान की हॉकी टीम की क्या एक ज़बरदस्त पहचान थी, बड़ा नाम था। लेकिन अगर हम अब देखें, यानी 4 बार का वर्ल्ड चैंपियन और अब देखें ज़बूहाली का शिकार, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। अब ये क्यों है,
ये क्या वजह है कि हॉकी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता रहा, या ये क्या वजह है लोग हॉकी की तरफ नहीं आते रहे, या समटाइम्स ये भी सुना गया जी मौशी एतबार से हम देखें यानी मौशी मुश्किलात के शिकार रहे, मैंने फेडरेशन की बात हम कर लें, हम प्लेयर्स की बात कर लें, तो उस तरह से चीज़ें बेहतर नहीं हुई। हाँ। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट को जिस तरह से फ़रोग मिला, कि क्रिकेट को जिस तरह से हम देखते रहे कि लीग्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल्स पर होती हैं, PSL को आप देख लें, अब फुटबॉल को हम देख रहे हैं, लीग्स हो जाहिर है उसकी हो रही हैं, जब हम बात हॉकी की करते हैं, ये बड़ा अच्छा था कि लास्ट मंथ आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप हुई, जिसमें हमने देखा कि फिर ग्रास रूट लेवल से हॉकी में बेहतरी हमें नज़र आई। अभी चंद रोज़ पहले यानी कॉमनवेल्थ गेम्स परसों जिसका अख्ताम हुआ, पाकिस्तान से बहुत से एथलीट्स गए थे, जो पाकिस्तान की हॉकी टीम वहाँ पर थी, हम आज जिक्र उसका भी करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की हॉकी टीम का पहुंचना कैसा एक्सपीरियंस रहा, आज उनके कैप्टन कौमी हॉकी टीम के कैप्टन मोहम्मद उमर भुट्टा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उमर सबसे पहले जानना चाहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में आप वहां पर गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, गेम्स जो है वो बड़ा अच्छा होता है एथलीट्स के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स हो इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं और वहां का जो माहौल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी आवाज़ में मसला, अब आवाज़ थोड़ी बढ़ा भी दीजिएगा ताकि आवाज़ हम तक आ जाए। हाँ। और हम ज़रा जानना भी चाह रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके एक्सपीरियंस भी, और कहाँ तक पहुँचे, कितने मैचेस में कैसी कारकर्दगी रही। देखिए ना, हमने अरशद नदीम का जिक्र किया, हमने नू का जिक्र किया, हमने उन एथलीट का जिक्र तो किया जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन हॉकी हमारा कौमी खेल है उसका जिक्र उस तरह से नहीं हुआ, तो हम ज़रा इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं उमर के कितने मैचेस और कैसा हमारा स्कोर रहा। कॉमनवेल्थ में जो हम फिनिश हुए हैं वो तो सेवंथ हुए हैं स्पॉट में। हमारा जो पूल था वो काफी टफ पूल था, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड था। हमारा जो फर्स्ट गेम था वो साउथ अफ्रीका से ड्रॉ हो गया अनफॉर्चुनेटली, और न्यूजीलैंड से हमने लूज किया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हम सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसकी वजह से क्वालिफिकेशन मैचेस खेले जिन में हम कनाडा से जीते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम जो करंट हॉकी टीम है उसमें काफी जो प्लेयर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान जूनियर से प्रमोट होके हैं, उनकी एवरेज एज भी 20-21 के करीब है और उनके इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम है, जब वो मैचेस बहुत कम है तो उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा उमर भुट्टा, ये बताइएगा कि हम हॉकी की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी भी बाकी है। एक वक्त था जैसे शुएब आपने कहा कि हमारा बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हॉकी के पीछे रह जाने की एक वजह यह है कि दूसरे खेल बहुत ज्यादा प्रमोट होते हैं, हॉकी पे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि हॉकी जो है, एक तो हॉकी की अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए हॉकी ने बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है, उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम है। मैं समझता हूँ नेशनल गेम के होने के नाते इसको उसी तरह ट्रीट किया जाए, जितना ज्यादा इसकी डिस्कशन होगी, जितना ये मीडिया पे आएगा उतना ज्यादा ही प्रमोट होगा और उतने ही स्पॉन्सर्स मिलेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल कमी है, अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो सहूलियात या चीजें वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं है, अगर वो उस लेवल की नहीं होगी तो फिर रिजल्ट जो है उस लेवल का नहीं आएगा। इसकी बुनियादी वजह आपको लगता है कि कमर्शियलाइजेशन है, जिस तरह क्रिकेट में हम देखते हैं एक बड़ा फैक्टर कमर्शियलाइजेशन का रहा है जिसकी वजह से बूम मिला है क्रिकेट को, हॉकी को नहीं ये फैक्टर हासिल हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा हम चाहते हैं कि आप से दोबारा कांटेक्ट करें, बेशक टेलीफोन लाइन पर ही हो जाए क्योंकि जाहिर है उस तरह से आवाज़ हम तक आ नहीं रही। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की और जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका जाना, वहाँ की उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ हमें ये बात ज़रूर करनी है कि अच्छा गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। ये जो हमने एक फैक्टर यूज़ किया ना, कमर्शलाइजेशन ऑफ एनी स्पोर्ट, यानी हम देखते हैं क्रिकेट को आप देख लें जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, वो चाहे PSL हो, चाहे और काउंटी क्रिकेट्स हो जाएँ, इसमें हम देखते हैं कि बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इसको बूम मिलता है, प्लेयर्स खुश
खुशहाल भी होते हैं, हीरोज निकलते हैं उसमें से, इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं उसमें से, लोगों के आइडियल्स निकलते हैं जनाब उसमें से। लेकिन हॉकी हमारा कौमी खेल है जिसका माजी अच्छा, लेकिन अब मसलाइल, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि हम दोबारा से एक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शुएब क्या होता है कि जब हम सिर्फ क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं और बाकी खेलों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट लैग करना शुरू हो जाता है। हमारी यूथ, हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिनको बताया जाना ज़रूरी है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, फुटबॉल अच्छी गेम है, उसके अलावा हम चेस के मेहमानों को भी बुलाते रहते हैं, वो भी बताते हैं जो चेस खेल रहे हैं इस वक्त, इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लगता है तो हमारे लिए बड़ी एक प्राउड मोमेंट होता है कि पाकिस्तान का फ्लैग इंटरनेशनली किसी भी जगह पर किसी भी लेवल पर मौजूद है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। इसी तरह जब हम हॉकी की जबूं हाली का जिक्र करते हैं, जबूं हाली उस तरह से नहीं है, अब ज़बरदस्त तरीके से हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमी है, जो कोताही है, या जहां पर कमियां रह गई उनको दूर करने के लिए हमें कहां पे काम करना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं बार बार, ताकि हमारे जो प्लेयर्स जो हॉकी को एज करियर परस्यू करना चाहते हैं, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अगर उनको फंड्स रिक्वायर्ड हैं तो वो कहाँ से आएंगे, अगर उनको खेल को प्रमोट करने के लिए, जैसे अपने कमर्शियल एक्टिविटी का जिक्र किया, उसके लिए जैसे जो प्राइवेट फ्रेंचाइजेज होती हैं उनको आगे आना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स के साथ दिलचस्पी रखते हैं या जो फंड करना चाहते हैं उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। हमेशा मैं हर खेल के हवाले से ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, जो प्राइवेट फ्रेंचाइजेज हैं, उनको आगे आना चाहिए, ताकि जो लोग नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनके लिए आसानियां पैदा हों और वो अपना नाम बना सकें, और जो वो ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं जहां पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो सके। एग्जैक्टली, हमारा दोबारा से रब्ता बहाल हुआ है, तो क्विकली हम उमर की तरफ ही चलते हैं। उमर, हम बात ज़रा कमर्शलाइजेशन की भी कर रहे हैं, हम बात करें कि लीग्स दीगर स्पोर्ट्स की हों और हॉकी की ना हो, तो वो एक मसला, एक और मामला भी है, उस पर हम ज़रूर चाहेंगे आपसे कॉमेंट लेना। एक ट्वीट देखी हमारी नज़र से गुजरी, जिसमें एक फ़ैन ने आपसे एक शर्ट का काजा किया, लेकिन आपने कहा कि फाइनल मैच के बाद शर्ट दूंगा, वो क्या मामला हुआ? असल में आप इस बात से एग्री भी करेंगे कि आवाज सही आ रही है मेरी? जी जी, आवाज ठीक आ रही है, प्लीज बताइए। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो भी स्टफ होता है आपके पास, वो टूर्नामेंट से पहले आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मींस अगर कोई आपसे कोई चीज रिक्वायर्ड करता है, शर्ट है या जो भी है, तो वो आप टूर्नामेंट से पहले दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी उसमें ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट मैच में वो कौन सी कॉम्बिनेशन पिक आप टूर्नामेंट वाले खेलने के लिए बोल देना, तो यानी आपने कौन सी यूज करनी है। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जो ये शर्ट्स होती हैं हमारे पास जो है वो हम टूर्नामेंट के बाद आपको दे देंगे, तो मैंने कहा टूर्नामेंट के बाद आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, क्योंकि तो ये सवाल इसलिए किया उमर, क्योंकि वो उस एक ट्वीट से तासुर ये गया कि शायद ये कहना चाह रहे थे आप, चूंकि उस जिस जो फैन था उसने ट्वीट ये की कि आपने कहा एक ही शर्ट है और मैं फाइनल मैच के बाद दूंगा, तासुर गया कि शायद ये मसला था कि शर्ट ही एक थी, तो लोगों ने कहा कि कौमी खेल है, कैप्टन है हमारे और एक शर्ट, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपसे कि उसमें क्लैरिटी लूँ। जब हम टूर्नामेंट पे जाते हैं तो स्पेसिफिकेशन टूर्नामेंट की शर्ट्स होती है, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स में उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें लोगों का साइज होता है, उस पर स्पॉन्सर कोई नहीं होता, इस तरीके की एक शर्ट डिजाइन की जाती है जो स्पेशल एक टूर्नामेंट के लिए होती है, तो वो जो होती है वो हम उससे पहले एफआईआर प्रूफ देते हैं कि उनको हम पहले डिस्प्ले करते हैं, वो उसको हर चीज चेक करने के बाद उसे ओके करते हैं कि टूर्नामेंट में आप यूज कर सकते हैं, तो फिर वो जो टूर्नामेंट की शर्ट्स होती है वो आफ्टर द टूर्नामेंट आप दे सकते हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का ये मकसद था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से लिख दिया और वो एक जेस्चर पता नहीं, आई डोंट नो किस तरीके का चला गया। लोगों ने इवन आपके लिए ऐलानात भी किए कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इसलिए क्लैरिटी ले रहा हूँ कि सपोर्ट की ठीक है जरूरत तो है, क्रिकेट को खेल को बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ये जो तासुर कायम किया गया कि जी एक शर्ट थी ये गलत था, ये जो सिंपथेटिक फैक्टर क्रिएट किया गया उससे टूट से वो गलत था, आप ऐसे ही कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक हो गया। ये वैसे आखिरी मैच के बाद उस फैन ने दोबारा रابطہ किया था कि शर्ट दे दें आप? आई डोंट थिंक सो, कि जब लास्ट मैच हुआ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद उसको मालूम हो गया कि ये जो है वो रॉन्ग चला गया या इस किस्म का, तो उन्होंने मेरे से दोबारा तो नहीं रابطہ किया।
अनफॉर्म, लेकिन वो किसी और से। फैंस उस शर्ट से मुस्तफीद हो सकते थे अगर आप डुप्लीकेट बनवा के तीन चार अपने और भी फैंस। देखिए हुआ ये कि हुआ ये उमर के मुझसे भी किसी ने रابطہ किया, एक बिजनेसमैन है उस्मान, उन्होंने कहा कि आप इन्हें शो में इनवाइट करें और हमारी तरफ से मैं वो अमाउंट अभी अनाउंस नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दें। तो खैर आपने क्लियर किया कि वो मामला वैसा नहीं था, ये बड़ा अच्छा है कि क्लैरिटी आपकी तरफ से आ गई। अब चूंकि वापस आ चुके आप, तो ये बताएं कि अगला कौन सा इवेंट है जिसकी तैयारी अब हो रही है? फिलहाल सर ऐसा नहीं है, अभी नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट जो है वो अजलान शाह हॉकी कप है, होपफुली पाकिस्तान जो है वहाँ पे उसमें जो है वो इन्वाइटेड होगा, तो वो हमारा नेक्स्ट है। उसके बाद जो इस साल का जो लास्ट इवेंट है वो नेशन कप है, तो होपफुली ये हमारी जो टीम है इंशाल्लाह ग्रो करेगी। इसमें ऐसे में मोस्टली लड़के हैं पाकिस्तान जूनियर से और उनके इंटरनेशनल मैचेज हैं अंडर 10, तो जब आपका इतना कम एक्सपीरियंस हो तो उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने चाहिए, तो अगर जितने ज्यादा खेलेंगे तो वो इम्प्रूव करेंगे और एक्सपीरियंस इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर होंगी, बहुत बेहतर होंगे। उमर बहुत शुक्रिया, लाहौर से ज्वाइन किया, हमारी कोशिश है कि कभी इस्लामाबाद आ पाए तो हम स्टूडियो में भी आपको मदद करें, हमारे कौमी खेल के कैप्टन हैं आप, माशाल्लाह वी आर प्राउड ऑफ यू। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं एक और मौजू के साथ, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 अगस्त 1947 बरोज मंगल है। अब आप जानेंगे नजदीक तर आती आजादी के हवाले से सरगर्मियों का अहवाल। दिल्ली से खबर है कि सर रेडक्लिफ की सरबराही में कायम बाउंड्री कमीशन ने बंगाल और पंजाब की तकसीम के बारे में रिपोर्ट वायसराय को जमा कराती है। इस हतमी रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहदों का तायुन किया जाएगा। मुस्लिम लीग इससे कबल भी रिपोर्ट की जानिबदारी पर सवालात उठा चुकी है और कमीशन के सरबराह की कांग्रेस की तरफ झुकाव और वायसराय के जेर असर होने वाले हवाले से अपने खदशात को बयान कर चुकी है। कानून साज असम्बली के जारी इजलास में पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक के तायुन और तहफ्फुज़ के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी में नवाबजादा लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, लाला भीम प्रेम हरी शर्मा, शेख करामत अली और बेगम शाहनवाज समेत 15 अराकीन शामिल हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले असासों की तफसीलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के हिस्से में रॉयल इंडियन एयरफोर्स से एक ट्रांसपोर्ट तैयारा और 4 जंगी जहाजों का स्क्वाड्रन आएगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कानून साज असेंबली के खिताब को सियासी और समाजी हलकों ने जबरदस्त पजीराई बख्शी है। बिलखसूस गैर मुस्लिम शहरियों के यकसा हुकूक और मजहबी आजादी के बयान को सराहा जा रहा है। उन हलकों का कहना है कि बरसगीर में फिरका वाराना तशद्दुद और कशीदगी के माहौल में कायदे आजम का दो टोक बयान नौजायदा मुमलिक की समत और पहचान को वाजे कर रहा है। एक इस्लामी फलाही ममलिकत का सही मानों में तसव्वुर और अमली इजहार कायदे आजम के इन अकवाल में पोशीदा है। गुज़श्ता रोज गुरदासपुर के इलाके साहिवाल में बलवाइयों ने हमला करके 17 अफराद को कत्ल कर दिया है। हिंदुओं के मुजालिम और तंग नजरी की वजह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करने वाले मुसलमानों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। लाहौर पहुँचने वाले महाजरीन के लिए राशन और रिहाइश के इंतजाम मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने संभाल लिए हैं। खबरें खत्म हुई। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहम खबर आ रही है आपको अदालत से, शहबाज गिल जिन्हें आज
जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें अदालत में पेश किया गया और अब जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अब जुडिशल रिमांड दिया गया है और जेल भेज दिया गया है। डिटेल्स लेंगे इमरान मंसब ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल, जिन्हें दो रोज पहले गिरफ्तार किया गया था, जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज उन्हें सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट उमर बशीर की अदालत में पेश किया गया और वहां पर जो उनकी लीगल टीम थी उनको शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत भी दी गई और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह भी बताया कि एक मोबाइल उनकी गाड़ी में रह गया था, दूसरा उनके पास था और ऑडियो प्रोग्राम की सीडी ली गई जो उससे मैच कर गई है। और इसके अलावा जो है शहबाज गिल ने भी अपने हवाले से मौका इख्तियार किया कि जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त सिग्नल नहीं थे। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून जो थे उन्होंने भी अदालत को बताया कि इन्होंने ड्राइवर को बनीगाला में छुपाया हुआ है। जो ट्रांसक्रिप्ट जो पढ़ा गया था ये नहीं बताया जा रहा कि इसके पीछे कौन है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लैपटॉप तक भी रसाई नहीं दी जा रही और ये भी नहीं बताया जा रहा कि सारे मामले के पीछे कौन है। अदालत में समाप्त हुई और इसके बाद जज उमर बशीर ने फैसला शबीर ने फैसला महफूज किया और 10:30 बजे फैसला सुनाया जाना था। मुख्तसर समाअत के दौरान जो अदालत ने बिल्कुल मुख्तसर फैसला सुनाया और उन्हें शहबाज गिल को जो है वो जेल भेज दिया। शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। ठीक, और अब आगाज़ कर लेते हैं उस सेगमेंट का जिसका हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, जिसमें कुछ नए इस्लामी साल से मुतालिक भी बात होगी और अपने व्यूअर्स को नाते रसूल मकबूल भी सुनाएंगे आखिर में। नाज़रीन, नया इस्लामी साल 1444 हिजरी जारी है और दुनिया का उसूल है कि जब भी नया साल शुरू होता है इंसान अपने लिए बहुत से अहदाफ मुकर्रर करता है, कुछ टारगेट्स चूज़ किए जाते हैं। हमने भी इस साल ये सोचना है कि आगे क्या करना है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। नया इस्लामी साल शुरू हुआ मुहर्रम उल हराम से हमेशा की तरह और मुहर्रम बहुत एहतराम वाला हुर्मत वाला महीना है। आगे पूरा साल पड़ा है, हमने क्या करना है, किस काम को ज़्यादा वक्त देना है, हमारा मज़हब हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेक्रेटरी इस्लामी नजराती काउंसिल डॉक्टर इकराम उल हक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के आज मेहमान बने। आप कैसे से आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर, नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, तकाजे क्या हैं इसके, हमारा मज़हब हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने प्लानिंग के बारे में बताया, नया इस्लामी साल हिजरत से शुरू हुआ, इसमें एक हिकमत है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक तो और पहलू से हुई, यानी और तारीखों में हुई, उससे भी नया इस्लामी साल शुरू किया जा सकता था, लेकिन हिजरत से शुरू हुआ। इसमें हमें बहुत सारे सबक हासिल होते हैं और उसकी हम इब्तदा कर सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। हिजरत करने वाला वो इंसान होता है जो वो तमाम काम छोड़ दे जिसे अल्लाह ताला ने मना किया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो उन्हें वहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। जिस बात की तरफ वो दावत दे रहे थे वो फलाह इंसानियत की बात थी, लेकिन कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने उनको मुश्किलात में मुबतला किया, उनको तकालीफ दी, उनको परेशान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल ही मेहनत की। 13 साल की मेहनत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन नहीं छोड़ा फलाह इंसानियत का, अपना घर छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना शहर छोड़ दिया और सबसे बढ़कर ये कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला शरीफ को छोड़ दिया, जिसके लिए लोग दुनिया से जमा हो के आते हैं। तो फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो वहाँ भी मुआशरे में मुख्तलिफ सेगमेंट्स रहते थे। यहूदी भी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ ईसाई भी वहाँ पर मौजूद थे, मुशरकीन भी वहाँ मौजूद थे, ऐसे लोग भी आस पास पाए जाते थे जिनका कोई दीन भी नहीं हुआ करता था। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नई जगह थी, उन्होंने नए मिशन के साथ नई मंसूबाबंदी की और फलाह इंसानियत को एक बाकायदा प्लानिंग के साथ चलाया। वो प्लानिंग क्या थी कि आम तौर पे हम देखते हैं पाकिस्तान हमने बनाया, इसमें सिंधी हैं, बलोची हैं, पख्तून हैं, सरायकी हैं, पंजाबी हैं, बहुत सारी कौमियतें बसती हैं। मुसलमानों में भी उस वक्त मुहाजिर थे, अंसार थे, हर एक के अपने अपने कबीले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहला जो रब्त उनके अंदर कायम किया, उस रब्त को कहते हैं मुआखात मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक सेगमेंट को लेके उनको कहा कि इसकी को एग्जिस्टेंस किस तरीके से बेहतर अंदाज में मुरतब की जा सकती है,
ऐसे नहीं कि एक ही कानून जारी किया और सबको कहा कि सबको इसकी पाबंदी करना होगी, बल्कि हर एक सेगमेंट को स्टडी किया, इनके अफकार क्या हैं, इनके नज़रियात क्या हैं, इनका रस्म व रिवाज क्या है, इनकी ज़रूरियात क्या हैं, उनको देख के उनको मुआशरे के साथ जोड़ा। गोया के मुसलमान जो थे वो मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ हैसियतों के मालिक थे, उन मुसलमानों को बतौर मुसलमान जोड़ा एक नज़रिए के ऊपर और उनको कहा कि ये मुआखात होगी मुहाजरीन और अंसार के दरमियान, खा उनके कबीले कुछ भी हों। फिर इसका दायरा वसी किया, दायरा वसी करके फिर कहा कि अब मज़ाहिब को ले लो, मुख्तलिफ मज़ाहिब होंगे, यहूदी हैं, मुसलमान हैं और सारे मज़ाहिब वाले हैं, उन सब को मिला के कहा कि अपना अपना मज़हब होगा, हर कोई अपने मज़हब में आज़ाद होगा और हर कोई अपने मज़हब के अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा, उसको प्रमोट करने के लिए हर एक को आज़ादी होगी, लेकिन कोई बंदा किसी को अपने मज़हब पर आने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बिल्कुल सही। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं मीसाक़े मदीना, पहले थी मुआखाते मदीना और अब बना दिया मीसाक़े मदीना। ये दोनों सेगमेंट अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे थे और जब हमें मीसाक़े मदीना का पूरा एक लिटरेचर मिलता है सीरत तैयबा की किताबों में, तो हमें ये मिलता है कि जब मुआखाते मदीना कायम हो गई तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अब ये मुआखात वाले लोग और बाकी लोग ये आपस में भाई भाई होंगे, इनका आपस में ताल्लुक़ होगा और उस ताल्लुक़ को फिर कायम फरमा दिया कि हमारा दिफा जो है वो मुश्तरका होगा, हमारे अंदर अगर किसी को दियत देनी है, कोई माली पेमेंट्स वगैरह करनी है, वो मुश्तरका होंगी और हम वेलफेयर के काम जो हैं वो मुश्तरका किया करेंगे, मज़ाहिब जो हैं वो अपने अपने चलेंगे। एक और दायरा कायम किया, वो दायरा ये था कि जो कबाइल इस मुआहदे में नहीं आए थे, ना मुआखात के अंदर ना मीसाक के अंदर, उनको दावत दी कि तुम में से जो भी इस मुआहदे को ज्वाइन करना चाहे उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए, किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि अब हमने इसको बंद कर दिया। कई सारे कबीले दोबारा उसमें शामिल हुए, कुछ कबीले ऐसे थे जो ना इसमें शामिल होना चाहते थे ना उसमें शामिल होना चाहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्टडी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे इलाके को जानते थे, देखते थे कि किस कबीले का किस किस्म का मिजाज है और किस कबीले के रस्म व रिवाज क्या हैं, कुछ कबाइल के साथ इलहदा इलहदा भी मुआहदे किए कि ठीक है आप आ जाएँ, आप जिस तरीके से चाहते हैं, जो आपके रस्म व रिवाज हैं उनके मुताबिक हम आपके साथ को एग्जिस्टेंस का फार्मूला तय कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ को एग्जिस्टेंस का फार्मूला तय कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, तालीम का निज़ाम जारी किया, सब मज़ाहिब वालों को कहा कि आप अपनी अपनी तालीम खुलेआम दे सकते हैं, हमारी खिदमत की ज़रूरत हो हम हाज़िर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तफ़िका तौर पर सरबराह तय किया गया कि आप इस रियासत के सरबराह होंगे और अगर किसी फैसले में इख्तिलाफ़ होगा तो हतमी बात आपकी होगी। अच्छा, एक ये हो सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतमी बात कहते हुए अपना दीन चलाते, कुरान मजीद की आयतें पढ़ के सुनाते, ये बताते मेरे अल्लाह ने ये कहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर यहूदियों का फ़ैसला है तो उनको कहा कुल फ़अतू बित्तौरात फ़तलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तौरात ले आओ, तुम्हारे फ़ैसले तौरात में से किए जाएंगे, मुसलमानों के फ़ैसले हैं वो कुरान मजीद में से किए जाएंगे। ये एक ऐसी तरबियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मौके पर कहते हैं कि अगर मुझे खिलाफत की मसनद सौंप दी गई तो फरमाने लगे कि लअहकुमन बैन अहल तौरात बितौरातहिम व बैन अहल इंजील बिइंजीलहिम, के तौरात वालों के फ़ैसले मैं उनकी तौरात पे करूँगा, इंजील वालों के उनकी किताब पे करूँगा, कुरान वालों के फ़ैसले मैं उनके कुरान के बुनियाद पर किया करूँगा। इस तरीके का मुआशरा कायम किया। आज हमने 1500 साल बाद एक इस्तिलाह इजाद की, को एग्जिस्टेंस की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से प्लानिंग करके और उसके लिए पूरा इंतज़ाम फरमा दिया। फिर जो मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद को सिर्फ इबादत के लिए नहीं रखा, वो तालीम का मरकज़ थी, तालीम हर वक्त ओपन थी, बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ लें, बड़े पढ़ते हैं वो पढ़ लें, काम काज करने वाले हैं उनको हर वक्त पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो आफ्टर वर्किंग आवर्स वो आ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो आके पढ़ लेंगे। हर बंदा जो शागिर्द है वो उस्ताद भी है,
जो सीखा हुआ है वो आगे सिखा रहा है, ऐसी प्लानिंग हमें कहीं नजर नहीं आती। बिलाशुबा जो बेहतरीन प्लानिंग हमें हमारा मजहब सिखाता है कहीं नजर नहीं आती। और आज का लेसन ये है कि को एग्जिस्टेंस के लिए हमारी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे मौजूद हैं, हमें वहाँ से तालीमात हासिल करके को एग्जिस्टेंस को अपनाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है कि सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपने उनको बर्दाश्त करना सीखना है, आपने रवादारी की मिसालें कायम करनी है। जैसे जिस ज़माने का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर इकराम साहब, उस ज़माने में बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन हमेशा की तरह आखिरी सेगमेंट हमारा नात से मुतालिक होता है, और आज जो हमारे नात खान स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ हामिद रज़ा, वो गुज़श्ता 6 साल से PTV कराची सेंटर से नात सुनाते हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने उनकी गुफ्तगू में की आवाज़ में वो चाशनी रखी है, वो खूबसूरत आवाज़ दी है कि लोग उनको बार बार सुनना चाहते हैं। तो आज की क्लोजिंग से पहले अगर हम बस हमारी क्लोजिंग है जी, हम लाफिस करते हैं और बस उनकी तरफ बढ़ते हैं, नात की तरफ बढ़ते हैं जी। जी काश मैं दोरे पयंबर में उठाया जाता, काश मैं दोरे पयंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके में उनको ही सुनाया जाता, रूबरू उनके में उनको ही सुनाया जाता, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश ए काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर से लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर से लगाया जाता।